या समर्थन नहीं करती और ना ही इसे प्रोत्साहन देती है। दुनिया में आपने एक से बढ़के एक भक्त देखे होंगे, पर हाथों में कपूर जलाने वाली शायद ये इकलौती देवी होंगी। नमन है ऐसी भक्ति को। मैडम का नाम है सुकन्या। बगल में हाथ में बर्नौल लिए उसका बेटा फुल तैयारी में है, भविष्य में डॉक्टर बन जाए तो अचरज नहीं। ये तुम लोग जो पूजा करके पैसे खर्च करते हो, ये मुझे दिए होते तो मैं उसे ब्याज पर लगा देता। ये है ब्याज भास्कर, अपने जीजा से पैसे ऐंठ कर उन्हीं को ब्याज पर देते हैं। अब इस रोड रोलर से मिलिए, दुनिया में दो लोगों का परम भक्त है, अपने बॉस और भगवान का। तुम्हारा नाम? सुकन्या। गोत्र? भारद्वाज। नक्षत्र? हालगुनी। राशि? राशि सिंह छे। तुम्हारा पति? अरे भाई, कहाँ है तू? समंदर में पहुंच चुके हैं। कहाँ है वो भाषी? क्या हो गया तुम्हें? हमारी बर्बादी तुम यहाँ पर बैठ कर देख रहे हो? हाँ, कहो तो पॉपकॉर्न ले आऊं? कोरोना को आखिर कब मिटाओगे प्रभु? लॉकडाउन के बाद से हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। ऊपर से रशिया का युद्ध चालू हो गया है। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लो प्रभु, रोक लो। सॉरी मुकुंद भाई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पूरी दुनिया को। अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी मूर्तियां नहीं बना पाएंगे। 10 दिन और वेट कीजिए, फिर सारा ऑर्डर हमारी तरफ से पूरा हो जाएगा। तुम्हारे बहानों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। कभी सावन कह के तो कभी भादो कह के हमें बस घुमाते रहते हो। शक्ल पे येड़ा लिखा है क्या? मेरी दुकान, मेरा बिजनेस तुम्हारे शुभ अशुभ वक्त के हिसाब से नहीं चलता। अपनी सोच को थोड़ा अपग्रेड करो। हाँ, जिस भगवान ने जन्म दिया उसके बर्थडे में भी लापरवाही करते हो, लानत है यार। आगे से याद रहे शुभ अशुभ का लेक्चर मुझे मत देना, और जल्दी से गणेश जी की मूर्ति पैक करवा के मेरी गाड़ी में रखवा दो, चलो। समझे? ठीक है भैया। आप लड्डू खाते हो और हमें पेड़ा भी नहीं मिलता। भगवान का दोगलापन इसी ने पहचाना है, तुम्हें ही नहीं दिखता। मुकुंद भाई, मुकुंद भाई, जरा रुकिए तो। मुकुंद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बस आपसे मिलने ही आ रहा था, हमें हज पे जाना है। क्यों असलम भाई, आपकी तबीयत नासाज है, आप इतना लंबा सफर कैसे तय कर पाएंगे? सालों की तमन्ना थी मेरी, घर के हालात तो आप जानते ही हैं। आज एक मौका मिला है, पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। आपकी मर्जी है, ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं मुकुंद भाई? ये पैसे किस लिए? इतना लंबा सफर है, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, और आपकी दुकान का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? ए तबला, गर्मी का मौसम खत्म नहीं हुआ अभी भी? ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का असर है। गंगा जल। एक्सक्यूज मी जी, गंगा जल है क्या? कोई टपकने वाला है? मतलब मिल जाएगा। इसकी बात मत सुनिए, 100 रुपए। थैंक यू गुरुजी। उसे नल का पानी दिया। नादान बच्चे, समंदर का पानी बादल बन के पर्वतों पे बरसता है तो डायरेक्ट नदी में जाता है। वो पानी गंगा में जाए तो गंगा, यमुना में जाए तो यमुना, और नल से आए तो म्यूनिसिपैलिटी का। पानी तो पानी ही है ना, खरीदने वाले ही पागल हैं। अरे बाप रे, तो इसका मतलब पानी का कॉकटेल है। हाँ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविदेवाय नमः, ओम चंद्राय नमः। हाँ हाँ, हो गया हो गया। राहु काल के जाने में और आपके अच्छे समय आने में सिर्फ 5 सेकंड का समय बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1।
अरे ये क्या पंडित जी, अशुभ हो गया, रोक दो, शुभ मुहूर्त में स्पीड ब्रेकर आ गया, एक्सीडेंट हो सकता है, इस पागल ने छींक दिया इसीलिए अपशगुन हो गया, अभी मत जाना, रुक जाओ, सब गड़बड़ हो गया, मनहूस तूने छींक दिया, तुझे छींकने के लिए यही जगह मिली थी, मैप पे कोई और लोकेशन नहीं ढूंढ सकता था तू, सही कहा, एक नंबर का अनिष्ट हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ, तेरे बाप का क्या, हमसे कम तेरी तरह लोगों को उल्लू तो नहीं बनाता मैं, ए धोती छाप लुटेरे, बीमारी बीमारी छींक डकार हमें पूछ कर कॉल करके नहीं आते, एंड यू, आस्था रखना बुरी बात नहीं होती, पर ऐसे ढोंगियों पे नहीं रखते, ये तो बुद्धिमंतरी की मात्रा। ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ದೇವ್ರೆ ಬೀಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಬಿಡ್ತಿ ನೋಡು ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತು 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 ನಾನ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಕೂಗಿದೆ ಉಗುದುಗುದು ಉಗುದು ನನ್ ಕಟ್ಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎತ್ತೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವೇ ದೇವ್ರಾಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಾನೇ ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬಾರೋ ದೇವ್ರೆ ಬೀಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಬಿಡ್ತಿ ನೋಡು ನಿಂಗೆ ನೀ ಸಿಕ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೈದೋ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಲು ಮೂರುತಿ ಕುಮ್ಮ ಇಟ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಎದೆ ಲೈತ ಹೇಳು ಚೂರು ಪಿರುತಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಾನೇ ರೈಟ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕಳಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕಳಿ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲ್ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹುಸಿ ಕ್ಯಾಟೆ ಹಾಕಂಡವನ ಪ್ಯಾರ ಚೂಟೆ ಬರ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಐತೆ ಫೈಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಾಸ್ ಹಾ दो दिन की छुट्टी चाहिए मुझे चार धाम की यात्रा करनी है पैसे कौन दे रहा है वो दुबई वाला श्रीनु है ना बॉस वो मुझे चार धाम ले जाने वाला है अच्छा कहां माँ की आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हारी माँ का नाम ही शांति था ना वो अपनी स्वर्गीय माता की बात कर रहा था
Yes. माँ को अकेला छोड़ के दुबई में ऐश कर रहा था हलकट। अगर माँ को खुशी देनी ही थी तो उसे अपने साथ दुबई ले जाता। ये तो है। माँ की जायदाद हड़पने के लिए तुम लोगों के सामने ढोंग कर रहा है वो। हाँ बॉस, वो कुछ भी करे, अपने बाप का क्या, तुम भी चलोगे उसके लिए अपना धंधा खोटी करूं? बॉस, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ आधे रेट में बिकती है, बस इसलिए। ये बात है क्या? हाँ, फिर तो बिजनेस टूर समझ के साथ चल सकते। ये हुई ना बात। दर्शन दे दो हे गिरधारी, आया हूँ द्वार तेरे मुकुंद मुरारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी, आया हूँ द्वार तेरे मुकुंद मुरारी। किधर है वो? पता नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या चाहिए आपको? ऑफर चल रही है क्या? फोटो या फ्रेम पर एक अगरबत्ती फ्री। गणेशन विग्रह तगोंड्रे अगरबत्ती, येसु विग्रह तगोंड्रे मोमबत्ती। ಏನ್ರೀ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಡಿದಿರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲಕ ಕೂತಿರೋ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಂದು ಎಂಟು, ಆ ಟೈಗರ್ ಮೇಲೆ ವೆಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾಳಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಅದೊಂದು ಆರು, ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ಹತ್ತು, ಈ ಡೊಳ್ಳಟೆ ಗಣೇಶ ಒಂದು ಎಂಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಭಯಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಓ, ತಮಗ್ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೋಡಲ್ಲೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾರೋ ನೀವೇ ನಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ. गुरुजी, घोर पाप है ये। सुन, बिना चरणामृत पिए यात्रा अधूरी रह जाती है। हाँ, ये ले तू भी पी ले, वरना नरक में जाएगा। अभी पीता हूँ। क्यों, कड़क टेस्ट है ना? थोड़ा मुझे भी मिलेगा? हाँ, आप भी ग्रहण कीजिए। अरे ये क्या, वेलकम ड्रिंक समझ के सब पीने लगे? क्या है ये? गंगाजल, गंगाजल बहुत पवित्र है। अरे ये तो बहुत कड़वा है। अरे वो पोल्यूशन बढ़ गया ना, इसलिए थोड़ा कड़वा लग रहा है। ओ, ये बात है। माँ मुझे माफ कर देना। अरे बाहर दोस्तों के साथ खेलने की बजाय छुट्टी के दिन यहाँ बैठकर पढ़ रहे हो मेरे लाल? मम्मी ने होमवर्क दिया है, वो कर रहा हूँ पापा। स्कूल का होमवर्क समझ में आता है? ये होम मिनिस्टर कब से टीचर बन गई? ये क्या, पूरी नोटबुक राम नाम से भर रखी है? गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? ये भगवान का जाप है, अगर 1000 बार लिखूंगा तो मम्मी ने कहा भगवान राम खुद घर आएंगे। ओहो, तो ये ज्ञान का पाठ प्रोफेसर मम्मी ने दिया है, अभी उसकी क्लास लेता हूँ। ए सुकन्या, ए सुकन्या, ये बच्चे को क्या पट्टी पढ़ा रही हो? चिल्लाइए मत, आपने इतने पाप किए ना कि 1000 बार राम लिखे ना तब भी कम है। हाँ, एक और पाप करने का मन कर रहा है, अंदर चलें। ची, बस करो हवे। दुबई से सीनू का फोन है, सॉरी बोलो। ओहो, दुबई से। हेलो हेलो श्रीनू। हमारा उपवास था, दारू पिला के पाप का भागीदार बना दिया, कई बार उल्टी की है। अरे अरे टेंशन नहीं लेने का, मैंने उनको क्या पिलाया? वाइन। वाइन किससे बनती है? अंगूर के रस से। उपवास में खाना मना है, खाना नहीं खा सकते पर जूस पी सकते, इसीलिए वाइन पी थी। फोन काट दे। पता है बॉस, आपके किए पाप को धोने के लिए भाभी को उपवास रखना पड़ता है। अरे मेरी गलती की सजा इसे क्यों मिले? बीमार कोई और है और दवाई कोई और खा रहा है, ये तो वैसी बात हो गई। अब इसको देखो, मैथ्स की बजाय नोटबुक में राम नाम लिख रहा है और देवी जी भूखे रहकर फ्री में डाइटिंग कर रही है। मुझे ये पसंद नहीं तबला, मुझे ये पसंद नहीं। रामायण के युग की ये लड़की कलयुग में पैदा हो गई है, इसके पापा ने मंदिर की इस घंटी को मेरे गले में बांध दिया। ए तबला चलो, घर में मंदिर वाली फीलिंग आ रही है, चलो। आप बोलो तो दरवाजे पर घंटा लटका देते। मॉल में एक साबुन के साथ एक फ्री ऑफर देखते हैं, और गुरुजी तुम तो भगवान में भी ये ऑफर चला रहे हो, इतनी पुरानी मूर्ति को कोई फ्री में भी नहीं लेगा। ओहो, मोटा तगड़ा बकरा आ गया। द्वारिका में जमीन की खुदाई करते समय एक मूर्ति निकली थी, कहते हैं उसमें कृष्ण जी का वास है, यही है वो स्वयंभू मूर्ति, अपने आप धरती पर प्रकट हुई। ये है वो कृष्णा, क्या मैंने सही सुना? इन ढाई क्यों है बालों की कसम।
ये मूर्ति फ्रॉडेश्वर नाम के एक बाबा ने स्वयं मुझे अपने हाथों से दी थी। क्या कहा? फ्रॉडेश्वर नाम का कोई संत बाबा ने द्वारिका से निकले स्वयंभू को तुम्हें दे दिया? सेठ जी, इन्हें कहानी सोचने दो, ब्रेक मत लगाओ। वो बाबा ती धूप में प्यास से बेहाल थे, दो दिनों से कुछ कुछ खाया या पिया नहीं था। कोई पानी पिला दो, कोई खाना खिला दो, इस तरह रो रहे थे। मैंने उन्हें एप्पल जूस पिलाया, पिज्जा खिलाया, ये सब खाकर बाबा प्रसन्न हो गए और ये मूर्ति मुझे दे दी। और तब से ये मूर्ति मेरे पास ही है। एक खोली में रहने वाला ये अनाथ बुर्ज खलीफा में 3 फ्लैट खरीद चुका है। हाँ। यहाँ तो पुरानी मूर्तियाँ हैं, स्वयंभू कैसे मिलेगा? सेठ जी, हर पुरानी मूर्ति स्वयंभू नहीं होती, सिर्फ यही मिलती है। रोज इसी टाइम पे एक भिखारी बंसी बजाते हुए आता है, आज क्यों नहीं आया? इसी टाइम पर रोज कृष्णा बंसी बजाते हैं। सुनो सुनो। अरे ये बांसुरी वाला शहनाई क्यों बजा रहा है? हेलो। हाँ। अरे ये तो शहनाई की आवाज है। हाँ हाँ भाई साहब, बाजा कोई भी हो, उसे बजा कौन रहा है ये देखो ना। हाँ, बाल कृष्णा, प्यारा कृष्णा, नटखट कृष्णा, बंसी में से शहनाई बजाकर इसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। नो वे, सॉरी, बाबा ने चेतावनी दी थी, आंध्रा से गाड़ी से एक मोटू रेड्डी आएगा जो मुरारी का भक्त है। मूर्ति सिर्फ उसी को देना। कच्चे का XLR साइज देख लो, वहाँ बाहर पर मेरी गाड़ी भी खड़ी है। ओ गाड़ी, समझ गया समझ गया, आप ही हैं वो, ले जाइए, ये आप ही के लिए है, ले जाइए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाना है। तबला यहाँ। हेलो सेठ जी, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा भूल गया, एक मिनट, ये लो दक्षिणा, जाके ऐश करो, सीधा एटीएम से निकाला है, कड़क नोट है। बस 100 ही कम है तो ये लो, पूरा 101 हो गया। इसमें प्रसाद भी नहीं आएगा? अरे तबला, भक्त का भाव देखा जाता है, हमेशा पैसे नहीं देखे जाते। पता है बाबा ने ये मूर्ति हमें कितने में दी थी? 10 रुपए में। और मैंने उन्हें अपना चेन निकाल कर दे दिया था। और आज देखो मैं कहाँ हूँ, चांदी की प्लेट में पकवान खाता हूँ, कपड़े सिर्फ डिजाइनर पहनता हूँ, 4-4 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, पैसों की बारिश होती है, जानते हो ना। कृष्णा का मान रखेंगे, वो 10 गुना फल देगा। इनकी कृपा। मैं किसी से कम हूँ क्या? चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, सब ले लो। अब ये किस खुदाई में निकली? मथुरा से। सुधर जाओ गुरुजी, सुधर जाओ। गुरुजी, तुम जो पाप करते हो ना, उसके बदले भाभी आज नंगे पैरों से आग पे चलने वाली हैं और तुम्हारे बेटे के जीभ में सुई डलवाने वाली हैं। कैसे करती है मैं देखता हूँ। आग में तपने से सोना बनता है सुंदर, और ये शरीर तप करने से प्राप्त होता है मोक्ष को। तो भक्तों, इस मोह माया से बहुत दूर हिमालय की गुफाओं में 12 साल गजकर्णिका मनकर्णिका अघोर क्रिया की मैंने, बिन जल अन्न के तपस्या करके ज्वाला देवी की आराधना की है मैंने। ये अग्नि नहीं मोक्ष कुंड है, पवित्र कर देगी, इस अग्नि पे चलने से होगी आत्मा की शुद्धि, जैसे त्रिशूल के चुभन से मिटता है मन का मैल, इन सारे उपायों को करने से मिलेगा परम सुख। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जी स्वामी, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, एसी नहीं तो कम से कम कूलर लगवा देते। मेरी जेड सिक्योरिटी का क्या, मेरे नाम पे तूने सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाई है। स्वामी, हमारे पास पार्टी फंड की कमी है, कृपया करके बस 2 महीने एडजस्ट कर लीजिए, बस एक बार ये चुनाव जीत जाए, फिर किसी प्राइवेट जमीन पे नहीं, सरकारी जमीन पे आपके लिए एसी आश्रम बनवा दूंगा। भक्तगण, भक्तगण, मेरी बात सुनिए, सब ध्यान से सुनिए, ध्यान से, चल भाग यहाँ से, ढींचा का, चल,
भक्तगण मेरी बात सुनिए, हमारे श्री श्री सिद्धेश्वर स्वामी ने इमरजेंसी आदेश दिया है। कौन सा आदेश दिया है मैंने? अरे कौन है ये? आज अर्ली मॉर्निंग महाराज के घर में कृष्ण स्वयं पधारे थे और उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि ये सब करना पाप है, आउट ऑफ फैशन है, कोई भी इस आग पर मत चलना या ऐसा कुछ भी मत करना, ये सब कृष्ण का चमत्कार है, उनकी माया जाल है। स्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर आज कृष्ण की सारी मूर्तियां माखन खा रही हैं। आप भी जाइए माखन खिलाइए। ये चमत्कार शुरू होकर सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, मैं भी खिलाकर आया हूँ और मेरे सारे पाप धुल गए हैं। आप सबके भी 7 जन्म के पाप धुल जाएंगे। जाइए जाइए, श्री कृष्ण की मूर्ति को माखन खिलाकर आइए। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, ये मौका कहीं छूट न जाए। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो हेलो भक्तजनों, रुक जाइए आप सब, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। गुरुजी आदेश दे रहे हैं, रुक जाइए, आइए जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। अरे ये तुमने क्या किया? रुक जा पापी, ईश्वर को रुष्ट करने का अर्थ समझता है तू? आत्मनिंदा, स्वामी निंदा, प्रभु निंदा घोर पाप है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे कुकर्म का फल पूरा विश्व भुगतेगा, तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। ओ स्वामी जी, मेरे आंसू में डूबने से पहले आप घर पहुँच जाइए, बारिश होने वाली है। अगर आप यहाँ रहे तो आप भी डूब जाओगे और आपका नाम भी डूब जाएगा। चलो। अरे तुम अभी भी क्यों रो रही हो? तुम गलती पर गलती करते रहते हो, किसी पर विश्वास नहीं करते। मैंने उपवास रखा था आपके लिए, खबर से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी प्यारी पत्नी आग पर चलेगी और मेरा बेटा जबान में कील घुसेड़ेगा तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे होगा। और कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल का बिल क्या वो सिद्धेश्वर भरेगा या तुम्हारा भगवान भरेगा? बात करती है। पापा, क्या हुआ? भगवान बटर खाने वाले हैं तो लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। ये वाकई एक करिश्मा है कि भगवान मक्खन खा रहे हैं। देखो। मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई है, आप क्या कहती हैं? 100% फैट फ्री है, फिर भी नहीं खा रहे। लेट हो गया है इसलिए अब नहीं खा रहे हैं। कृष्णा ने अब बटर खाना बंद कर दिया है। कैमरामैन अरुण के साथ रिपोर्टर शीला। कैसे लोग हैं, सब डर कर भक्ति करते हैं, डर ही सबसे बड़ी भक्ति है। शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी। ये सब आपकी वजह से, स्वामी जी का श्राप लग गया आपको, देखो। अरे ये प्रकृति का खेल है, स्वामी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैसा भूकंप है, सामने रखी बाल्टी भी नहीं हिली। अच्छी बात ये है कि भूकंप में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन दुखद समाचार ये है कि देवराज मार्केट में एक दुकान गिर गई जो तहस नहस हो चुकी है। देवराज मार्केट में एक मूर्तियों की दुकान है, असलम भाई की दुकान होगी। मुकुंद, उसके आसपास के किसी भी दुकान में एक ईंट तक नहीं हिली। हम इस वक्त मुकुंद की मूर्तियों की दुकान के ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी मूर्तियाँ टूट चुकी हैं। ये सारी तस्वीरें आपको लाइव दिखाई जा रही हैं। अभी तक किसी भी रिहायशी इलाके से नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। कैमरा मैन अभिजीत के साथ मैं गीता। हेलो, तुमने न्यूज़ देखी? हाँ देख रही हूँ। हम सब वहीं जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं बस अभी पहुँचती हूँ। देख लिया गुरुजी, पापों का फल मिल गया, सिर्फ आपकी ही दुकान गिरी है। भगवान को बार बार कोसा ना, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं आज। पूरे 50 लाख का नुकसान हुआ है। सिर्फ 50 लाख ही नहीं, 25 लाख का तो माल ही पड़ा है, सब मिला के 75 लाख का लॉस हुआ है और ब्याज को जोड़ दो तो कुल 1 करोड़ का फटका लगा है। पैसे किसी से लोन ले रखे थे क्या? तुम्हारे बेटे से लिए थे पैसे। खुद को संभालो काका, बॉडी ऑलरेडी कीर्तन कर रही है। किस गधे से पूछकर पैसे दिए थे? पापा वो डबल ब्याज देने वाला था इसीलिए दिए मैंने। अरे भगवान, इस नास्तिक पर तुमने भरोसा कैसे कर लिया? अब ये कहाँ से ला कर देगा? अपने डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख कर देगा। वो तो पहले से ही गिरवी है। बॉन्ड पेपर्स बेच दिए, ऑलरेडी बैंक में सरेंडर कर दिए। ये क्या गुरुजी, दुकान हमारी टूटी, मातम ये मना रहे हैं। क्या करें, इनके पैसे जो अटके हैं, हमारी मेहनत पे इनकी अय्याशी टिकी है, ब्याज की कमाई पे जीते हैं, भगवान से ज्यादा हम पर निर्भर करते हैं, इसीलिए हवा टाइट है। अब तो आपको समझ में आया ना कि भगवान के खिलाफ जाने से क्या क्या हो सकता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर मार तगड़ी लगती है। इस वार का जवाब है मेरे पास।
माना कि भूकंप से मेरी दुकान टूट गई, तो इसे क्या मैं स्वामी का श्राप मानूं? पागल समझाया क्या? इस सब से मुझे लॉस नहीं उल्टा प्रॉफिट हुआ है। हर चीज का इंश्योरेंस है। जाकर भगवान से कह दो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब भी आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। हे सुनो, इसे देखकर तो लग रहा है कि अभी के अभी चेक साइन करके मुझे दे देगा, कोई लोचा नहीं होगा। बॉस, जैसे ही पैसे मिल जाए ऐसी शानदार घड़ी खरीद लेना। हाँ, एकदम कड़क है। सर, आपकी वॉच बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है क्या? कम से कम 10,000 की तो होगी ना? 10 लाख की। 10 लाख की? अरे तबला, इसकी घड़ी तो बहुत महंगी है, अपनी रेंज से बाहर है। हाँ मिस्टर मुकुंद, आपने इंश्योरेंस करते समय टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी थी क्या? जहाँ जहाँ एजेंट ने साइन करने कहा मैंने कर दिया। कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं आप। क्यों सर? तुम्हारी पॉलिसी में लिखा है कि चोरी, तोड़फोड़ या आग लगने पर ही तुम क्लेम कर सकते हो। दुकान टूटने से ही तो नुकसान हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? हाँ, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी ऐसे नुकसान या डैमेज होने पर कंपनी बाध्य नहीं होगी। द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इफ डैमेज इज कॉस्ट बाय द एक्ट ऑफ गॉड। देखो ये तुम्हारा साइन है ना। सर ये क्या दिखा रहे हो, इतने बड़े फॉर्म में इतने छोटे छोटे लेटर्स में लिखा है, कौन इसे पढ़ेगा सर? इंश्योरेंस तुमने करवाया तो पड़ोसी इसे नहीं पढ़ेंगे, समझे? मतलब भूकंप, सुनामी ये इंसान नहीं करवा सकते। इन आपदाओं का रिमोट ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। इसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है क्योंकि ये ऊपर वाले की कारस्तानी है इसलिए। सर मैं ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करता। आप करते हैं या नहीं करते, पर आपने साइन किया है। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है सर, मेरा घर गिरवी रखा हुआ है और आप सॉरी कह रहे हैं। देखिए आपका ये क्लेम पास नहीं हो सकता। अगर ये क्लेम पास नहीं होगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सिक्योरिटी। सर आप यहाँ सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हो, हम तो यहाँ शांति से बात कर रहे हैं ना। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। इन दोनों को बाहर निकालो। अरे ये क्या कैसे आदमी हो तुम, एक नंबर के झूठे हो। मेरी दुकान टूट गई, बर्बाद हो गई और तुम मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रहे, कैसे आदमी हो तुम? ये सब बताओ, मुझे पैसे दे दो, दोबारा अंदर बता रहा हूं। धमकी मत दो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं। इट्स अ एक्ट ऑफ गॉड, जाकर ऊपर वाले से पैसा मांग। hey, एक मिनट, ऊपर वाले से पैसा मांगू? तुम्हें ऊपर वाले पर विश्वास है? कहाँ है वो? He is everywhere. सब जगह पर रहता है। इस कंप्यूटर में है? है। इस टेबल में है? है। इस दीवार में भी है? है ना। इस थैली में है? है। इस बॉडी में भी है? हाँ बिल्कुल है। तुम में है? हाँ मुझ में भी है। मुझ में भी है? हाँ है, निकलो यहाँ से। ओ तो मुझ में भी ऊपर वाला है। तो ये अब रहने नहीं, गॉड ने मारा। दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड, मैं तुझे शूट कर दूंगा, गोली से उड़ाऊंगा, जान से मार दूंगा, शूट कर दूंगा, क्योंकि ये सब जो हो रहा ना वो मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है। तुम्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। गोली डालो इसमें, कोई से बाहर निकालो, कोई से बाहर निकालो। क्या कर रहे हो, एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हो? खून कर दूंगा मैं, बर्बाद के बच्चे। गेट अप, ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपना अपना काम करो। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। सांभो, सेठ जी का फोन आया था, अगले हफ्ते तक पैसा नहीं दिया ना तो ये घर खाली कर देना पड़ेगा, ऐसे बोला है। ए तबला, वो एस्टेट एजेंट है ना भंबानी, उसे फोन करो, वो दुकान भाड़े पर लेना चाहता था, पूछो कब ले रहा है। हेलो, अरे क्या कह रहा है वो? दुकान में भगवान की मूर्तियां टूटी है इसलिए इसे मनहूस जगह मानने लगे हैं, श्राप से डर के कोई फ्री में आने को तैयार नहीं। देख लेना तबला, इस जगह पर जब 100 साल बाद मूर्ति मिलेगी तब मंदिर बनाकर पूजा करेंगे, उसे पवित्र धाम बनाकर आरती उतारेंगे। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। अब समझते क्यों नहीं है, ये सब भगवान की लीला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए 100 सोमवार का व्रत रखूंगी और राम का नाम लिखती रहूंगी। बंद करो ये बकवास, राम का नाम लिखने से पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे क्या? भगवान का नाम लिखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो बॉर्डर पर कोई घर लेकर नहीं खड़ा होता, पेन और पेपर लेकर खड़ा होता। पागलों जैसी बातें मत करो, कृष्णा पर बहुत भरोसा है ना तुम्हें, तो क्यों ना उसे अपना सारथी बना लो, वो सब ठीक कर देगा। मेरी मांगने से अच्छा आप ही मांगो ना, जल्दी मिल जाएगा। देगा,
उसे देना पड़ेगा। उससे कैसे वसूल करना है मुझे पता है। नहीं गुरुजी, आपको मरने नहीं दूंगा। आत्महत्या करना पाप है, प्लीज रुक जाइए। अरे गुरुजी, मुझे खुदकुशी कर लूं वैसा कायर नहीं मैं। केस करूंगा मैं, कोर्ट में केस करूंगा। ये क्या कह रहे हो, 300 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ तुम केस करोगे? लोग आपको पागल समझेंगे गुरुजी। सुन, मैं इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं, ऊपर वाले पर केस करूंगा। मुझे सड़क पर लाने वाला वो भगवान ही है ना, मैं उसे कोर्ट में आने पर मजबूर करूंगा। देखता हूं वो कैसे नहीं आता। मेरी तरह कोई तो नास्तिक लॉयर होगा जो भगवान में विश्वास न रखता हो, वो मेरा केस लड़ेगा। अरे तबला, केस लड़ने से पहले ही फैसला सुना दिया। एक्सक्यूज मी सर, इस कोर्ट का सबसे सीनियर। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ए डब्बे, बीच में काय को टांग अड़ा रहा है, चल निकल यहाँ से। ओके सर, मैं 25 सालों से केस लड़ रहा हूँ, ये मेरा 100वां केस होगा। इस कोर्ट का एकमात्र मास्टरपीस मैं ही हूँ। गलती करने वाला ऊपर वाला ही क्यों ना हो, फटाफट फटाफट बहस करके मटामट मटामट मिटा देता हूँ। सर, मुझे आप ही की तलाश थी और आप स्वयं प्रकट हो गए। चलिए चलिए, बोलो किसको नोटिस भेजना? ऊपर वाले को। क्या किया उसने? मेरी दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मतलब बहुत बड़ा गुंडा है वो? गुंडा नहीं, सारे गुंडों का गॉडफादर है वो। एक बार उसका सरनेम तो बताओ। सरनेम बोले तो? अरे वो टाइटल। वो तो मैं नहीं जानता, पर उसके बहुत सारे घर हैं सर। इसका मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रहता कहाँ है? वो मंदिरों में रहता है सर। मंदिर को अड्डा बना लिया उसने? हाँ सर हाँ। इस मंदिर में? तिरुपति, बनारस, द्वारका, हर मंदिर को अड्डा बना डाला। वो कृष्ण, शिव, राम, गोविंद, जीसस, अल्लाह है सर। मैडम लोग भी शामिल है सर। मतलब महिलाएं? हाँ, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, चामुंडेश्वरी, भगवती और हाँ ओम शक्ति। ओम शक्ति? चुपचाप आराम से बैठा हुआ है, पहले ही बताना चाहिए था ना। एक नंबर का पागल है ये, ऊपर वाले पे केस कर रहा है, इसे पागल खाने लेके जा। अरे नकल करके पास हुआ ये लॉयर, अपना काम नहीं कर सकता ये। चल यहाँ से, किसी और को ढूंढते हैं। जाओ आगे किसी को दे दो। ए, चल तू निकल यहाँ से, चल जा। मुझे माफ करना भाई, जाओ यहाँ से जाओ। अरे तबला, क्या जमाना आ गया है। लोग भूत से तो डरते थे, अब भगवान से भी डरते हैं। अब हम क्या करें? बॉस, कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है, अब क्या करें? प्लान ए फ्लॉप हो गया तो अपने पास प्लान बी भी है। अगर वहाँ से भी एंट्री नहीं मिली तो? चड्डी पहनकर पैंट पहनते हो या पैंट पहनकर चड्डी पहनते हो? आपकी बात मेरे सर के ऊपर से गई बॉस। एड्रेस पूछो इससे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। एडवोकेट अकबर खान किस तरफ रहते हैं? एडवोकेट भैया ना, यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ गांधी जी का स्टेचू मिलेगा। वहाँ नहीं रहते, वहाँ से दाएं तरफ मुड़िएगा, आगे चल के एक और मूर्ति मिलेगी, वो वहाँ भी नहीं रहते। वहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो एक और सर्कल मिलेगा, वो वहाँ भी नहीं रहते। वहाँ नाले से फिर बाएं मुड़ जाना और लावण्या पार्क जाने वाले रास्ते को बीवी के हाथ की तरह पकड़ लेना। गर्लफ्रेंड का हाथ चलेगा ना? लगता अभी शादी नहीं हुई। वहाँ नाक की सीट पर आगे चले जाना, वहाँ शनि देव का मंदिर मिलेगा और वहाँ जाकर पूछोगे तो कोई भी रास्ता बता देगा। मैप से देख लेंगे। सर, आपका पैर? अब्बू चल नहीं सकते। केस के वक्त जन्मभूमि केस शहर में कई बार हिंसा भड़की, उसी दौरान मुझे गोली लग गई और मैं अपाहिज हो गया। यहाँ धर्म पे बोलना भी गुनाह है और तुम सीधे भगवान पर केस करने की सोच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? और मैं करता भी क्या सर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है लड़ने के सिवा। कोई भी वकील इस केस को हाथ नहीं लगाएगा और मैं पैर से चल नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में ये केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है सर? लॉ में एक प्रोविजन है, अगर तुम हाँ कहो मैं लीगल नोटिस भेज सकता हूँ। किसी और पर निर्भर होने के बजाय आप खुद ये केस लड़िए, ये अपने आप एक मिसाल बनेगी। अच्छा, देवताओं को नोटिस कौन से एड्रेस पर भेजनी है? मैं नहीं जानता सर। ऐसे कहोगे तो तब तो जज पहले दिन ही तुम्हारा ये केस खारिज कर देंगे। पर सर,
उसके मैनेजर बने लोग कहां कहां रहते हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है। अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर। हाल में आए भूकंप से देवराज मार्केट में एक दुकान गिर गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। दुकान के मालिक ने भगवान पे केस कर दिया है। देश भर के लोग मुकुंद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। स्वामी जी देखिए स्वामी जी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मुझ पे यकीन करिए। ऐसा वाहियात केस अदालत खुद ही रिजेक्ट कर देगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसे यहाँ बुला के उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, उसकी व्यथा जानने के बाद ही उसकी सहायता कर पाएंगे। ईश्वर के मायने हैं न्याय सत्य धर्म। एक योगी का कार्य है पथ प्रदर्शन करना, अनंत कोटि जीवों पर राज करने वाले परम पूज्य हैं हम और सारे जगत की रक्षा करने वाले। और वो साधारण मनुष्य हम पे अभियोग चलाएगा, हम उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। मैं सिद्धेश्वर स्वामी, गोपी माँ, हम तीनों महायोगी मिलके उस अधर्मी मूर्ख प्राणी को सीख देने के लिए न्यायालय अवश्य जाएंगे। इसमें किसी की व्यक्तिगत हार या जीत नहीं है, यह हमारी लड़ाई नहीं है। लोगों की आस्था पे चोट पहुंचाई है उसने, परमेश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। स्वामी जी की आज मुकुंद का केस कोर्ट में एक्सेप्ट होगा या नहीं, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार जरा फिर से सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच समझकर फैसला किया है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करो। अरे आप यहाँ कैसे? अब्बू ने भेजा है, ये आप पहन लीजिए। क्यों भाई इंश्योरेंस, तुम्हारा टाइम कैसा है? नॉनसेंस, हमारे भक्तों को भड़काने वाला मूर्ख यही है, खुद को प्रभु कहने वाला मूर्ख ये है। अरे खड़े हो जाओ गुरुजी। मिस्टर मुकुंद, आपने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को आप खुद लड़ेंगे। हाँ जज साहब, इस केस को लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं, इसलिए मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा जज साहब। माय लॉर्ड, या तो ये पागलपन है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। There is no cause or action that can be proved here. So I suggest and or order 7th rule number 11 of the Court of Civil Procedure. This case be dismissed straight away for the out of cause action.
योर ऑनर, ये इंडिया है, यहाँ हिंदी भाषा में सब बात करते हैं, लेकिन वकील साहब अंग्रेजी भाषा में कुछ कह रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आया, पर एक बात समझ में आ गई, ये इस केस को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं, है ना? करेक्ट। मैं भी यही चाहता हूँ जज साहब, ये सब कोर्ट ऑफेंस डिफेंस, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ऊपर वाला है या नहीं है, एक है या चार हैं, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी वाला कह रहा है कि भगवान है, जो भी होता है सब भगवान करता है, उसे एक्ट ऑफ गॉड कहता है, तो ऊपर वाले ने मेरा नुकसान किया है, वो आकर मेरा नुकसान भर दे, बस केस खत्म। भगवान तुम्हारे समक्ष कैसे आएगा मूर्ख कहीं का? स्वामी जी प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए, कोर्ट की मर्यादा भंग मत कीजिए, दिस इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुमने धर्म और ईश्वर का अनादर किया है प्राणी। ऊपर वाला तेरे बुलाने से नहीं आएगा। सही कहा स्वामी जी, वो मेरे बुलाने से क्यों आएगा, उसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? उसे दुनिया के बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले से मेरा पैसा दिला दीजिए, बस केस खत्म। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इसने पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया हुआ। एग्जिबिट नंबर वन माय लॉर्ड। ओ, लगता है ऊपर वाले को बुलाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। स्वामी जी कृपा करके आप ऊपर वाले को बुलाइए, राम कृष्ण सबको कटघरे में खड़ा कर दीजिए। मूर्ख, मोक्ष प्राप्ति के बाद ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, तुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए भगवान भूमि पर नहीं आते। हो, मैं तो तुच्छ हूँ स्वामी जी, पर आप चमनिश्रलवा तमुग मोक्ष प्राप्ति आगी। तो महान है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, आपकी तो बातचीत होती रहती है, आप बुलाइए उन्हें। आपका ऊपर वाला कोर्ट में नहीं आ सकता, तो मेरा पैसा दिला के केस खत्म कर दीजिए। हाँ, मैं कंसेशन देने को भी तैयार हूँ। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, ऊपर वाले की सेवा को ये बिजनेस बता रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये बिजनेस ही तो है, पक्का बिजनेस है। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो चप्पल रखने से बिजनेस की शुरुआत होती है, टोकन लेने के पैसे, लाइन में खड़े होने के पैसे, वीआईपी दर्शन के पैसे, फोटो के भी पैसे, पूजा आरती अभिषेक प्रसाद सब के पैसे देने पड़ते हैं, और सबका रेट पहले से ही फिक्स है। कैंडल जलाने के पैसे, चादर चढ़ाने के पैसे, ये सेवा वो सेवा सबके लिए पैसे देने पड़ते हैं। देखिए ये लोग यही सेवा तो करते हैं। महीने के महीने इन्हें सैलरी भी देनी पड़ती है, फिक्स सैलरी, किसी की ज्यादा किसी की कम, इतना ही फर्क है, और इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और तो और माय लॉर्ड, इस बिजनेस में कोई रिसेशन नहीं है, और अगर कहीं रिसेशन आ भी गया तो जिन्हें तकलीफ होगी वो भागकर सीधे इनके पास ही जाएंगे, बेचारों के पास और कोई चारा भी तो नहीं। सेवा का इससे अच्छा धंधा और कोई हो ही नहीं सकता। आई ऑब्जेक्ट टू दिस माय लॉर्ड, कैसी ओछी बातें कर रहे हैं, आस्था का धंधा कर रहे हैं, ऐसे बेतुके लॉजिक से इनसे आप पैसे वसूल करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रीमियम देते हैं ना, इस हिसाब से कंपनी से ही पैसे मांगने चाहिए, है ना? मंदिर के पुजारी क्यों पैसे देंगे आपको? माय फ्रेंड, मैंने सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम नहीं भरा, मंदिरों में भी बहुत प्रीमियम भरा है। नॉनसेंस। हाँ, आप भरोसा नहीं करेंगे, मुझे पता था आप भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ, अभी दिखाता हूँ। लाओ वो रिसीट दिखाना। हाँ देखिए योर ऑनर, ये सब रिसीट्स हैं, मंदिरों में अलग अलग प्रीमियम भरता हूँ, सालों साल भरा है, अपनी पत्नी माँ और सासू माँ के लिए। ये देखिए, वास्तु विनायक 600 रुपए, हनुमान जी के तेल के लिए 20 रुपए, दुर्गा माँ के मंदिर में 400 रुपए, पुरानी मस्जिद वाले फकीर भी हैं 300 रुपए, और वो सिद्धेश्वर आश्रम में मैंने 1200 रुपए दिए थे जनाब, और इन स्वामी जी के आश्रम के लिए भी मैं बहुत से पैसे देता हूँ। इसे पैसे देना नहीं, डोनेशन देना कहते हैं। डोनेशन वोनेशन कुछ नहीं स्वामी जी, डोनेशन के नाम पर आपने बिजनेस खोल रखा है। योर ऑनर, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हमने 2000 रुपए इनके आश्रम में दिए थे, पर वो ठीक नहीं हुई, आखिर में हो गई, पर इनसे 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिला मुझे। ये देखिए योर ऑनर, मस्जिद के लिए चंदा, दरगाह के लिए चादर, चर्च के लिए कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, ऐसे लाखों रुपए मैंने अलग अलग तरीकों से भगवान को प्रीमियम के तौर पर दिए हैं, पर आज तक उसका कोई रिटर्न नहीं मिला। बस कर, चुप हो जा मूर्ख प्राणी, जिसे तू दुकान कह रहा है उसे देवस्थान कहते हैं, मंदिर कहते हैं। अपने घर की शांति और परिवार की सुरक्षा के लिए लोग स्वेच्छा से दान देते हैं। हम भी परिवार के साथ पूजा करने मंदिर जाते हैं, तमाशा करने नहीं जाते स्वामी जी, लेकिन आपके भगवान ने मेरी दुकान में आकर मेरी पूरी शांति खत्म कर दी। उस ऊपर वाले ने ही हमें बर्बाद किया है, तो वो ऊपर वाला ही हमें पैसे देगा। मिस्टर मुकुंद, आपका नुकसान ऊपर वाले ने किया है ना, तो उन्हें से पैसे मांगो, इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? वकील साहब, आप अपने मोबाइल में कौन सा सिम कार्ड यूज करते हो?
आपके फोन में नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे या सीधे मालिक को कॉल करके बताएंगे कि मेरे सिम का प्रॉब्लम हो गया है? साइलेंस। क्या कहना चाहते हो? ये पंडित फादर मौलवी यहाँ भगवान के कस्टमर केयर चला रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, ऑफिसर्स नहीं साहब, ऑफिसर्स नहीं। अरे इन्हें ऑफिसर्स मत कहिए, ये लोग बहुत ऊपर हैं। अगर आप इनकी शक्ल देखें तो ये सेल्समैन जैसे दिखते हैं। ये ऊपर वाले के कलेक्शन एजेंट्स हैं सर, इन्होंने ऊपर वाले की फ्रेंचाइजी लेकर रखी है। हिंदी में हम इन्हें दलाल कहते हैं। ब्रोकर्स। न्यायाधीश, ये मनुष्य नास्तिक, इवन हेलो ज्ञान इवंदल, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧುಗಳು ಇವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಓ ಮಗು, ಮಾತೆ, ನೀನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತೆ, ತಾವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತೆ ಇದ್ರೆ ಪಟಪಡ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ಬಿಡಿ, ಕೇಸೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇನಫ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ರೆಸೀಟ್ಸ್, ಅವರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೋಯ್ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ. ಇನ್ಕೆ ದಲೀಲ್ ಬೇಮಾನಿ ಹೈ ಔರ್ ಬಚ್ಕಾನಿ ಹೈ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಏಕ್ ಛೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಿ ಬಾತ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಯೇ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಯೇ ಛೋಟಿ ಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಯೋರ್ ಆನರ್, ಯೇ ಕೋಯ್ ಛೋಟಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ. ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ಗುಜರ್ ಗಯೆ ಥೆ, ತಬ್ ಭೀ ಆಂಖೋ ಸೆ ಏಕ್ ಆಂಸೂ ತಕ್ ನಹೀ ಬಹಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜೀವನ್ ಜೀನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಥೀ. अब वो भी चली गई. पिताजी के जाने से ज्यादा मुझे दुकान जाने का दुख है माय लॉर्ड, क्योंकि वो दुकान ही मेरा सब कुछ थी. मेरा घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब इस दुकान पे ही पलते थे. एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये दुकान खड़ी की थी. अब वहां पर बस खाली जगह है और उस जगह को कोई खरीदने वाला भी नहीं मिल रहा. ये मंदिर के लोग कहते हैं कि तुमने शुद्धि के नाम पर दान हमें दिया है. ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि तुमने हर महीने मुझे प्रीमियम दिया है. मैंने दान भी दिया था, प्रीमियम भी भरा था. अब अगर दोनों हाथ उठा लेंगे तो मैं कहां जाऊंगा माय लॉर्ड? मैं एक मामूली आम आदमी हूं योर ऑनर. मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार सब उस दुकान पर निर्भर हैं. जज साहब, मेरा केस आपकी कोर्ट में चलाने के लिए धन्यवाद. मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का संविधान मेरा साथ देगा. कृपा कीजिए योर ऑनर. एक साधारण व्यापारी के लिए 1 करोड़ बड़ी रकम है, खासकर जब उस पर परिवार की जिम्मेदारी हो. इसलिए ये कोर्ट मुकुंद का ये मुकदमा स्वीकार करती है. सभी सबूतों के साथ और अपनी दलीलों के द्वारा मुकुंद को यह सिद्ध करना होगा. फिर उसके बाद ये अदालत ये फैसला करेगी कि ये क्लेम मिलेगा या नहीं. और इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि मुकुंद को इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देंगे या धर्मस्थलों के प्रमुख. द कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे. साहब जी, विदेश में जाकर अंग्रेजी में बात करो, इस देश में हो तो हमारी भाषा में हमसे बात करो. बस 26 अक्षर दूसरों के सीख लिए तो आपको बहुत जानकारी मिल गई. हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई. मैं 52 अक्षर पढ़ने वाला, मुझे कितनी जानकारी होगी ये सोच लो जरा. तबला तकर धिन्ना ता. गुरु जी, पूजा अर्चना आरती घंटी बजाना ये सब पर आपने ध्यान दिया, पर यहाँ मुझसे नहीं टकरा सकते. मैं उस ऊपर वाले से अपने दम पर लड़ूंगा और अब मैं तुम सबके सामने जीत कर दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम मुकुंद नहीं. ये सरकारी परिसर है, यहाँ तुम सुरक्षित हो, ये हम जानते हैं. बिना विघ्न तुम यहाँ से निकल पाओगे, पर जाने के बाद इन भक्तों से कैसे बचोगे? तुम ये स्कूटर लेकर घर जाओ, मैं इसे घर छोड़कर आता. ठीक है सर, मैं चलूं. कॉफी पी लो. जी. हेलो बॉस, कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया है.
अपने आदमी तैयार हैं? जी बॉस। होशियारी से। ठीक है। उस मुकुंद को मोक्ष दे दो। जी बॉस। सारे पेपर सही हैं। आप घर जाओ, जरा होशियार रहना। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। भगवान पर केस करेगा तू? चल तुझे भगवान के दरबार में पहुंचाता हूं। मारो इसे, पकड़ो इसे, बच्चे भागने का पार करो। कृष्णा, कृष्णा वासुदेव यादव, मुरली मोहन मुरारी, फ्रॉम कोकुल। हाय, मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारा एड्रेस नहीं। कुछ बदमाश लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, मैं अकेला उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? जरा मुझे घर छोड़ दो भाई। यू आर मोस्ट वेलकम, मैं तुम्हें वन पीस में तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। थैंक यू भाई साहब, थोड़ा जल्दी। कर रहे हो, रॉन्ग साइड में स्पीड से चला रहे हो, मरवाओगे क्या? इतनी तेज मत चलाओ, संभल कर। ये क्या हेलमेट की जगह टोपी पहनते हो? मैंने तो वो भी नहीं पहनी। अरे इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाते। अपुन है ना, काय को फिकर करने। अरे तुम्हें लाइसेंस किसने दिया भाई? अरे कितनी तेज चला रहे हो, अरे गाड़ी देखो। अरे अरे संभालो, गाड़ी आ रही है। अरे तुम तो स्टंट मैन की तरह बाइक चला रहे हो, अरे डेंजरस आदमी हो। क्यों भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? योर राइड इज ओवर। अरे भाई मेरा घर थोड़ा आगे है, वहां तक तो छोड़ दो। तूने अपन को कुछ नहीं बताया, फिर भी तेरे को इधर तक सुरक्षित पहुंचाया। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से मैं खुद ही चलकर चला जाऊंगा। थैंक यू भाई, बाय। यहाँ एक दिन और नहीं रुकने दूंगा, और जान भी जोखिम में नहीं डाल सकते। अब तुम मेरे घर पर ही रहोगी। अरे सुकन्या, कहाँ जा रही हो? कुछ मत कहिए, बस ऊपर जाकर देखिए, वो हम सबको मार डालेंगे। सुकन्या चिंता मत करो, हम पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे। पुलिस प्रोटेक्शन को छोड़िए, आपके फोन को क्या हुआ? बस आधे घंटे में उन पापियों ने हमें पूरा का पूरा नरक दिखा दिया। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बस भाग रहे थे हम लोग। कृपा है ऊपर वाले की, आज तक की पूजा पाठ का फल मिला है मुझे, वरना आज आप अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते। सुकन्या मेरी बात कुछ नहीं सुनना। हमारे घर के ऊपर एसिड की बोतलें फेंकी उन लोगों ने, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन हमारा ये बच्चा, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग, किधर जाती मैं? तुम टेंशन क्यों ले रही हो सुकन्या, मैं हूँ ना।
कहाँ थे अभी तक? अगर सच में इससे प्यार करते हो तो केस वापस ले लो। ए बेवकूफ, नुकसान हमें हुआ है, सड़क पर हम आ गए हैं, तो क्या इन्हें फुटपाथ पर छोड़ दूं? केस न करता तो क्या करता? आप सब लोग समझते क्यों नहीं? सुकन्या गाड़ी में बैठ। अरे क्या सोच रही, घर चलते। सुकन्या मत जा, मेरी बात सुनो सुकन्या। पापा, पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं। प्लीज सुकन्या, चुप बेटा। सुकन्या अंदर बैठो। सुकन्या मेरी बात तो, सुकन्या गुरुजी, ये लोग जल्द ही लौट आएंगे, आप दुखी मत होइए। पेपर पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मुकुंद का केस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, आज की ताजा खबर। अवाम की उम्मीद के विपरीत कोर्ट ने उसका केस एक्सेप्ट कर लिया है। देश के सभी धर्म गुरु, यहाँ तक कि आम जनता भी मुकुंद के विरुद्ध मोर्चा निकाल रही है। मुकुंद राव मुर्दाबाद। आखिर ये मुकुंद है कौन? इसके पीछे हाथ किसका है? हेलो, कौन है? भगवान हूँ। भगवान? मुसलमानों के लिए पैगंबर, क्रिश्चियन के लिए जीसस, और हिंदुओं के लिए कृष्ण। तुम पैगंबर जीसस कृष्ण हो? तुम तो किसी भी एंगल से भगवान दिखाई नहीं देते। किसी फिल्म के हीरो की तरह दिखते हो। इम्पोर्टेड सूट पहना है, कलर बढ़िया है, और स्टंट भी कमाल के करते हो। मेरी बात मानो, फिल्मों में काम करना शुरू कर दो, बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। भगवान जैसी फालतू बातें मेरे सामने मत करना, वैसे भी उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटे हो, समझे? तुम्हारी उम्र क्या है? चलो मेरी ही उम्र बता देता हूँ। यानी तुम भगवान हो, ये बात तुम प्रूव कर रहे हो? हूँ तो कहलाऊंगा ही। अरे भाई जरा वहाँ देखो हमारे भगवान को, सिर पे मुकुट, सिक्स पैक एब्स, बेयर बॉडी, पीतांबरी धोती, ये तुम्हारी तरह सूट पैंट बूट और हैट पहनकर नहीं घूमते, समझे? मेरी कॉस्ट्यूम वो है, या आखिर तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी कल्पना है ये, ना कि मेरी चॉइस। क्या है कि अपुन की लेटेस्ट फोटो अभी तक पे अपलोड नहीं किया, इसलिए मेरा लेटेस्ट स्टाइल तेरे को अभी पता नहीं है। बाय द वे, ये डिजाइनर सूट है, अच्छा लग रहा है ना? कुछ दिन इसी लुक में रहूंगा, मस्त है ना भिड़ू? अरे तुम चल रहे हो तो पायल की साउंड क्यों आ रही है? ओ समझ आया। हाँ, वो पैर में पहनते हैं, वो तुमने हाथ में पहन लिया। ये हाथ में पायल तो ठीक है, पर वेपन्स, वेपन्स कहाँ है तुम्हारे? कानून नहीं पड़ा क्या? अपने देश में बिना लाइसेंस हथियार रखना कानूनी जुर्म है। ओ, तो तुम हो टॉलरेंट इंडियन गॉड। और मददगार भी, तेरे वास्ते ही इस धरती पर आया हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। हाँ, मेरे हिसाब से ये रोड के कॉर्नर पर मुकुंद राव मेंटल डॉक्टर का बोर्ड मेरे नाम का है, वहाँ जाना छोड़कर शायद तुम यहाँ आ गए हो। ऐसा मुझे लगता है। तेरे को भेजूं उधर? क्यों भाई, तेरे अलावा ना मुझे कोई देख सकता और ना ही मेरी आवाज सुन सकता है। तुम किसी को भी दिखोगे नहीं? सुपर। एक मिनट, अरे तबला, ए तबला। आया गुरुजी। तबला यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, एक 6 फीट का आदमी बैठा है, दिख रहा है तुम्हें? तुमको नहीं दिख रहा? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या बॉस, ये सूट बूट पहन के इतना हैंडसम आदमी बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? चेहरा भी चमक रहा है। ओ ब्लफ मास्टर, मैं भगवान हूँ, कोई देख नहीं सकता, ये सब बहुत हुआ। ये क्या है? तुम्हारे वो सेठ कृष्णा राज ने, जिसके पास तुमने घर गिरवी रखा है, उसने ये घर मुझे बेच दिया है। ओके बॉस, मुझसे कह रहा था 1 हफ्ते में पैसे दे रहा हूँ, और मुझे बिना बताए घर कैसे बेच दिया? ये उसके बाप की जागीर है क्या? ये मेरा घर है, मेरा घर। यही समझ लो, ये घर तुम्हारा ही है मुकुंद, रिलैक्स। जिस दिन भी एक्ट ऑफ गॉड केस में क्लेम का पैसा जीत जाओगे, पेपर्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन केस चलने तक यही डेरा डालूंगा। यही घर वो मुझे रीसेल करेगा, तो फिर घर तुमने क्यों खरीदा? ब्रोकर हो क्या?
अपुन एक तरह का पब्लिक कंसल्टेंट है, जिसका जैसा लफड़ा उसके लिए वैसी ही एडवाइस। मेरे को सब मालूम है। इस घर के लिए तो कैसा बेचैन हो रहा है, तेरी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। दुकान गिरने से पूरी वाट लग चुकी है तेरी, पत्नी और बच्चा अकेला छोड़ गए तुझे, ऊपर से ये कोर्ट केस। एक बात समझ ले, घर तेरे पास रहे यही मेरी इच्छा। तू एक काम कर, मुझे कुछ दिन के लिए किराएदार समझ ले, विदाउट एनी रेंट। मैं कभी कभार ये टेबल कुर्सी टीवी फ्रिज इस्तेमाल कर लूंगा, कोई दिक्कत? लेकिन एक बात कहता हूँ, ये घर मैं ही खरीद लूंगा, तुम ये घर मुझे ही देना। तथास्तु। मैं कुछ समझा नहीं। वादा कर रहा हूँ, ये घर तुझे लौटा दूंगा। ओ, बहुत पैसे वाली पार्टी है, खुद को भगवान बोलता है, ये घर तो ये हमें ही देगा। शक्ल से शरीफ दिखता है, पर आप इस पर ज्यादा भरोसा मत करना। ठीक है, अब अभी चलता हूँ। मेरे घर में आप मुझे रहने के लिए दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। अब ये आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, स्विच वहां है, लाइट ऑफ करके सो जाइए। तुरंत कैसे लाइट ऑफ हो गई? ओ भगवान है ना, कुछ भी कर सकता है। को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुकुंद बहुत अच्छा इंसान है। अरे कहाँ से अच्छा होगा, वो तो नास्तिक है। अरे भाई, अरे भाई, ये तुम्हारी बाइक है क्या? बहुत खूबसूरत है। कमाल। सुबह इसने बंसी पर रियाज करना क्यों शुरू कर दिया? सुनो ओ बंसी वाले, बस करो, ये क्या सुबह सुबह बंसी बजा रहे हो, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। सारे पशु पक्षी जाग चुके हैं। अरे पंछियों को छोड़िए, हमारे राजनेताओं को उठाइए, देश तो आगे बढ़ेगा। चलिए अब काम पर लगिए। भगवान जी, हेलो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मुझसे ये मजाक करना बंद करो। ये तो तुम्हारा घर है ना, जो जीने आए करो। लड़की की आवाज भी निकालते हो। नमस्ते भाई साहब। ओ, मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, दीदी घर पर नहीं है ना? दो प्लेट लेकर क्यों आई हो? हमें इसकी जरूरत नहीं, हमारा सारा खाना बटर सब फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ, भगवान के आते ही खिलाने वाले भी आ गए। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे यहाँ पर बटर रखा था, कहाँ गया? अरे आधा किलो बटर रखा था, सारा खाली कर दिया। पूरा नहीं खाया, अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन तुम्हारे मक्खन में नमक ज्यादा है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप अकेले आए हैं, आपकी पत्नी नहीं आई साथ में? इतनी सारी पत्नियां हैं, सबको साथ में कैसे ला? हाँ। क्या कहा? एक्चुअली उसका भी टूरिंग का जॉब है, हमेशा साथ रहना मुश्किल है।
कहाँ रहती हैं वो? वो हर जगह रहती है, कभी शोलापुर, कभी वृंदावन में, कभी उड़ीपी, कभी तिरुपति भी। हमारे इतने घर हैं, मुझे याद भी नहीं, कभी कभार मिलते हैं। सुनिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप जाइए यहाँ से। ये ब्रेकफास्ट दीजिए। लीजिए। और ये भी। अरे पहले ही आधा किलो बटर खा लिया है, अब दोनों प्लेट नाश्ते की भी खा लोगे क्या? भगवान हो या राक्षस। अरे ये भी कम है। क्या कहा? मैं अंतहीन हूँ। मैंने कहा था ना, आप प्लीज जाइए यहाँ से, पता नहीं किससे पाला पड़ गया है। हेलो, क्या मेरे घर के पास? इन्होंने भगवान के ऊपर केस किया, पत्नी छोड़ गई। बंदा कठिन राह पर निकला, उद्देश्य पूरा होने तक अकेला चलना होगा उसे। नाश्ता बहुत अच्छा है, थैंक यू। हेलो सर, हम एक न्यूज चैनल से आए हैं, आपका एक इंटरव्यू चाहिए था सर, प्लीज। ओ, तो अब तुम्हारा चैनल चलाने के लिए मेरे केस का इस्तेमाल करोगे? ये सब पब्लिसिटी स्टंट किसी स्वामी या नेता के साथ जाकर करो, जाओ यहाँ से। प्लीज सर, प्लीज। चलो चलो, जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, वकील अकबर खान का घर कहाँ है? अकबर खान देखिए, हाँ। यहाँ से सीधे जाए, फिर दाएं मुड़ जाए, सामने लावण्य पार्क मिलेगा, अच्छा। वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, शनि मंदिर के पास ही है उनका घर। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। अरे भाई, ये लॉयर अकबर खान का घर किधर है, जरा बताएंगे क्या? यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, फिर वहाँ से उल्टे हाथ को जाइए, वहाँ लावण्य पार्क है, वहीं उनका घर। ठीक है, चलो भाई। चाचा, अकबर खान का घर कहाँ है? अकबर खान का घर कहाँ है भैया? अकबर खान का घर कहाँ है? 150 चिट्ठियां, अनगिनत कॉल्स, दूर दूर से आए हुए ये क्लाइंट्स सब एक नाव में सवार हैं, सब तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बेटा, आज से 3 साल पहले भूकंप की वजह से हमारा घर टूट गया, उसमें मेरा बेटा, बहू, पोती सब मारे गए, अब यही मेरा सहारा है। इसके हार्ट के ऑपरेशन के लिए इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इनसे मिलो, इनका नाम है असलम। पिछले साल चेन्नई में आई सुनामी में पूरा बर्बाद हो गया, बहन के निकाह के लिए जमा की गई सारी पूंजी पानी में बह गई। आपने ऊपर वाले पे केस नहीं किया? करना तो चाहता हूँ, पर मौलवी साहब मुझे मजहब से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा घर परिवार सब पानी में बह गया, मौलवी साहब ने तब पैसे दिए थे तुम्हें? नहीं साहब। धर्म को इंसान बनाता है, धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। हेलो, सांबड़ो, मेरी बात मानिए, अभी बिना देर नहीं हुई है, केस ना वापस ले लो। केस लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बताने के लिए शुक्रिया। अकबर भाई, इन सब की नोटिस बनाने में कितना टाइम लगेगा? बिस्मिल्लाह करता हूँ। पहले 1 करोड़ का केस था और अब 500 करोड़ का केस हो गया, कौन देगा इतना पैसा? ऊपर वाला है ये प्रूफ करने दो बस, फिर ऊपर वाला ही आके पैसे देगा। मेरा बस एक ही धर्म है, वो है पैसा, समझ गया? ये सब महज एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं, केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मुकुंद, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भगवान से जितना चाहे मुकदमा चलाओ, हमारे अल्लाह को इन सब से दूर रखो। साइलेंस, साइलेंस। इस मामले में मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मौलवी साहब, किस धर्म के किस भगवान ने भूकंप किया और किसने सुनामी की, हमें क्या पता? ये तो आपका डिपार्टमेंट है ना, कृपा करके आप खुद उनसे बात करके ये तय कर लीजिए कि किसने क्या किया है, पता चलते ही मैं उनसे पैसा वसूल कर लूंगा। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान अनर्थ नहीं करेंगे, वो जगत रक्षक है, संसार के पालक। माई गॉड विल नॉट डू सच अ थिंग, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। ओहो, तो आपके भगवान ने नहीं किया, इनके भगवान ने भी नहीं किया, तो क्या ये इनके भगवान ने किया है? हाँ, हमारा अल्लाह लोगों के साथ गलत नहीं करता है, या अल्लाह इस बात दिमाग को माफ कर, अल्लाह खामोश नहीं रहेगा। अरे भाई, मुझे आप लोगों के भगवान से क्या लेना देना, ये तो आप लोगों का कंफ्यूजन है, आप आपस में निपटाइए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, केस खत्म। आप सब अपनी जगह पर बैठिए। इस केस को स्टडी करने के लिए कोर्ट को अभी और समय चाहिए, इस केस के खत्म होने तक केस से जुड़े सभी लोग देश से बाहर नहीं जा सकते। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। श्री मुकुंद जिंदाबाद, 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 श्री मुकुंद जिंदाबाद,
श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद, श्री मुकुंद जिंदाबाद। आप यहां से सुरक्षित जा सकते हैं क्योंकि ये जगह सरकारी जगह है। ये सब लोग मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ, ಕೊಳಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವೆ ಶ್ಯಾಮ, ನಿನಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೊಳಲೆ ನನ್ನದಾಗಬೇಕೆಂದ, ಮನೆ ಕರೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಕಾಫಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಗೊಂಬಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ 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 ಗೋವಿಂದ ಬಾ 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 ಗೋಪಾಲ ಬಾ ಗೋವಿಂದ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ, ಹೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚಲುವೆ ನೀನು, ಹೇ ರಾಧಿಕೆ ಕಂಗಳು ನೀನು, ಮಧುರಾಪುರದ ದಾಟಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಏತಗೆ ಬಂದೆ. ಕನಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಸನಿಹ ಮೇರುವುದು ಅರಿದರೆ ಬಿಡುವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸರಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯದ ಯುಗ ಕಣ ಕಣದ ಮಾರೋ ಸಕ್ಕಣ ಸಂಪನ್ನ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದೋನು ರಾಮ, ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವೀರ ಭೀಮ. ಸರಿಯಾಗದು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡು, ಕಲಿಕಾಲವು ಚಲುವೆ ನೋಡು, ಏಕಾಂತ ಬಯಸಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಸಮಯ ಸಲಿಗೆಗೆ ಮಧುಮಯ ಖಡಿಗೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಒಲವಿನ ನೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಬೆಳಗು. अरे भाई, इस तरफ से क्यों आए हो? यहाँ अपन की एक भगत है, उन्हीं के लिए आया हूँ. भक्त? पर ये तो मेरी पत्नी का घर है. रुको रुको, हम आ गए. बस बस यहीं रुको. तो कैसा लगा मेरा ससुराल? तुम्हारा ससुराल है, ये बात तो समझ आई, लेकिन वो इधर काय के वास्ते है? क्या बताऊं, तुम में जो समझ है वो मेरी पत्नी में नहीं है ना. सुकन्या, सुकन्या, थोड़ा हाई वॉल्यूम में बोलने का ना. हाई वॉल्यूम में बोला तो मेरी नहीं अगल बगल की पत्नियां भी आ जाएंगी. क्या बोलते हो? शे, सिक्योरिटी ना रखनी पड़े इसलिए इतना बड़ा दरवाजा खड़ा कर दिया है. भगवान जी, जरा यहाँ आएंगे? काबू, एक मिनट आइए ना. ठीक है.
बस आप अपने हाथों से मेरे पैरों को पुश करो, मैं कूद कर अंदर जाऊंगा। भगवान के खिलाफ जाने से अपने ही बेटे को देखने के लिए चोरों की तरह आना पड़ा आपको, क्या ये सब आपको अच्छा लगता है? जवाब दो। सुकन्या, बाहर वालों से ज्यादा मुझे मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, इस बात का दुख है। तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझे डांटो, मुझे सब चलेगा, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को छोड़कर अकेले रहने की ताकत नहीं मुझ में। अगर आप चाहते हैं कि हम वापस आए ना, तो केस वापस ले लो। सुकन्या, अगर मैं अकेला होता तो इसी वक्त इस केस को वापस ले लेता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं सुकन्या। इस केस से सिर्फ मैं नहीं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सुकन्या। अब किसी भी हालत में मैं इस केस को वापस नहीं ले सकता। क्या मंथन चल रहा है आपके मन में? पानी सिर से ऊपर निकलने लगा है। आश्रम के अनैतिक कार्य बंद करो, वरना सबको हानि होगी। अब मेरी बात सुनिए, धर्म के नाम पर आपके लिए एक पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं आप? थैंक यू। कटु सत्य बोल गया है वो। इस मुकुंद का कद रोज बढ़ता ही जा रहा है। कुछ धन देके इसे चुप करवा देते हैं, पर इसके पीछे जो जुलूस है उसका क्या? थैंक यू। चैनल और मीडिया वाले उसे क्रांति का पैगंबर बताने लगे हैं, और दूसरी तरफ क्लेम का पैसा हिमालय जितना ऊंचा हो गया। हिमालय भागना पड़ेगा। सिंगापुर में सत्संग, बैंकॉक में भजन, क्या आनंद आता था। सब कैंसल हो गया, हमारी सारी योजनाएं विफल हो गईं। सुनिए, चार बेवकूफों को पकड़ के उनका ब्रेन वॉश करने के लिए यह आश्रम नहीं है, यह कोर्ट है। अगर आपको सही लगे तो पब्लिक की सहानुभूति पाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। एक ही बार में वो चारों खाने चित हो जाएगा। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हवा, पानी। उसके लिए उसके बदले उन्होंने कभी सर्विस टैक्स मांगा है? नहीं, कभी नहीं। GST मांगा है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आज अपने भगवान को एक मूर्ख नीच प्राणी अदालत में बुलवाना चाहता है। ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए? ये धर्म युद्ध है, एक नया महाभारत है, ये सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व है। हम सबके परम पूज्य धर्म गुरु श्री श्री सिद्धेश्वर महाराज, महामहिम सर्वशास्त्र निपुण, इसके लिए आमरण अनशन रखेंगे। ये उपवास नहीं, एक तपस्या है। प्राण त्यागने तक ये सिर्फ तुलसी पानी पिएंगे। महान है। बोलिए सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की। सिद्धेश्वर महाराज जी को अनशन करते हुए इस सत्याग्रह के दो दिन पूरे हो चुके हैं। देश भर के लोग सिद्धेश्वर महाराज की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुकुंद जी मीडिया के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। इन्होंने जल्दी ग्रहण नहीं किया है, अपने ध्यान में लीन है, हर क्षण राम नाम का जप कर रहे हैं।
हरे कृष्णा। इनके जैसे कर्मयोगी और आप जैसे भक्त जब तक हैं, मुकुंद जैसे दो चार अनिष्ट नास्तिक धर्म को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। ये सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब कर रहे हैं। अब उनकी भी इंसल्ट है। तुम्हारी इंसल्ट? हाँ। पर वो कैसे? दही खट्टा होगा तो लस्सी भी खट्टी होगी। तू अपन का दोस्त है, बाजार में चक्कर मार क्या? देख उधर का मौसम कैसा है। ये सब मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। तूने जिसके खिलाफ केस फाइल किया है वही तेरी मदद करेगा। तुझे लोगों के बीच जाके समझाना होगा कि तू किसके लिए लड़ रहा है। अब मुझे ही देख ले, कंस को मारने के लिए मुझे खुद को मैदान में उतारना पड़ा, जानता है ना? मेरी ही मति मारी गई है श्री कृष्ण परमात्मा। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कृपा की आपने। तुम जिस तरह वहाँ गए थे वैसे मैं भी बाजार में जाऊँगा, उन सबको खींच कर सड़क पर ले आऊंगा, तुम्हें भी ले आऊंगा, समझे? हाँ, भगवान बनता है। आप उनको सड़क पे लाए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के स्पेशल एपिसोड में हम मुकुंद राव जी का स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड यादगार होगा। टीवी पर पहली बार एक इतने सेंसिटिव इशू पर बातचीत होगी जो आज तक कभी नहीं हुई। मिस्टर मुकुंद देश के सबसे चर्चित शख्सियत बन चुके हैं। इन्होंने स्वयं भगवान पर ही केस कर दिया। मुकुंद जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल, जो भगवान को पूछते हैं उन्हें भी भगवान के दर्शन नसीब नहीं होते, वो एक नास्तिक के सामने क्यों आने लगे? क्या आपके लिए धरती पर उतरेंगे? मैडम, आप बचपन में अपने पिताजी से चॉकलेट मांगती थी तो क्या करती थी? अपने पिताजी के पैर धोकर आरती उतार कर क्या उनसे कहती थी, चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी? नहीं ना। नहीं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मैडम, वो भगवान मेरे सामने नहीं आया और मेरे पैसे नहीं दिए इसीलिए। अरे बेवकूफ, कैसा नालायक है, एक नास्तिक के सामने भगवान गलती से भी नहीं आएंगे। अगर आप ही गए तो ये आइसक्रीम उन्हें खिला देना। दादी हा? आप आइसक्रीम के मजे लो। ऑफ कोर्स भगवान है, दो साल से मैं बेरोजगार था, नौकरी मिलने पर मुंडन करवाओ एक पंडित जी ने सजेस्ट किया, नौकरी मिल गई और मैंने मुंडन करवा दिया। अरे भाई साहब जरा सोचिए, दो साल तक बड़े हुए बाल में कीड़े पड़ते, कीड़ों के बच्चे पैदा होते और ज्यादा कीड़े हो जाते, डैंड्रफ हो जाता, तुम बीमार पड़ जाते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता, पैसे खर्च होते, तो क्या लगता तुम्हें? मुझे गंदा लगता है। भगवान गंदा पसंद करता है क्या? सोन पापड़ी दोगे तो पसंद करेगा। और भाई साहब एक और सलाह दूं, तुम्हारे दिए हुए बालों से बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, तुम्हारे दिए हुए बाल अमेरिका, लंदन, पेरिस हर जगह जाते हैं और उनसे सुंदर विग तैयार होती हैं, जिसे लोग खरीदते हैं। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति रिसाइकल होकर होलसेल बिजनेस करती है। हाँ। मुकुंद जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन पूजा स्थलों की कमाई से स्कूल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे नेक काम भी होते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सब बातें छोड़िए, यहाँ प्रॉब्लम ये है जिस तरीके से वो पैसे वसूल करते हैं, फर्क बस ये है कि माफिया गन से डराते हैं और ये भगवान का नाम लेकर डराते हैं बस। तुम में ग्रहों का दोष है, शनि का दोष है, मंगल का दोष है, सब उल झुलूल बताते रहते हैं मैडम, ये भी एक तरह का आतंकवाद ही है। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, अगर जन्म का टाइम सही नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी उसे तकलीफ होगी। अरे ये सही करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, उस मंदिर में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कहकर बहुत पैसा लूटते हैं मैडम। और सिर्फ ये बात नहीं है, इनके पास नर्क का मेन्यू कार्ड भी है। तुम नर्क में जाओगे, वहाँ आग में डालकर तुम्हें जलाएंगे, आंखें फोड़ेंगे, गरम तेल में डाल देंगे, ऐसा कहते हैं मैडम। ये लोग हमें समझते क्या है, हम क्या इंसान है या वड़ा पाव है मैडम? पहले के जमाने में दया ही धर्म का मूल है कहते थे, लेकिन आज डर ही धर्म का मूल बन गया है। मतलब भक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भक्ति को कभी बेचना नहीं चाहिए, भक्ति तो सेफ्टी बैंडेज की तरह है जिससे हम अपने घावों को सेफ करते हैं। अजीब मिसाल है। देखिए, भगवान को पवित्र मंदिर में रहना चाहिए, उसी भगवान को सड़क पर ले आए हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के चक्कर में कुछ कलाकार लोग रोड पर भगवान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते हैं मैडम। अरे ये छोड़िए, बार के नाम भी तिरुमला वाइन्स, मंजुनाथ बार एंड रेस्टोरेंट ऐसे रखते हैं। सभी लोग भक्ति में ध्यान तो देते हैं, लेकिन जब गुस्सा हो जाए तो ए चोर अब्दुल्ला, ए लोफर राम, ऐसे गाली देते हैं। इस तरह की भक्ति की क्या कीमत मैडम? समझ गई। आपकी दृष्टि में धर्म का क्या अर्थ है? जहाँ सत्य रहेगा वहीं धर्म की शुरुआत होती है, अगर सत्य रहे तो धर्म की जरूरत ही नहीं।
आपके नजरिए से देखा जाए तो भगवान महज एक कल्पना है, सत्य ही धर्म है। थैंक यू। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन समाज को आगे ले जाने के लिए बाकी लोगों को भी मुकुंद की तरह अपनी सोच बदलनी होगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओम तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम मंगलाय इदं मंगलाय स्वाहा। पंडित जी एक मिनट रुक जाइए, ये स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। स्वाहा का मतलब सब लोग जानते हैं, पहले इस मंत्र का अर्थ हमें समझाइए। मतलब समझे बिना पूजा का क्या फायदा? लगता है इन लोगों ने कल टीवी पर मुकुंद का इंटरव्यू देखा है। सुनिए, आप लोग एक काम कीजिए, मंत्रों की सीडी लाकर हवन करवा लीजिए, हम लोग चलते हैं। चलिए आइए। अरे अर्थ तो समझा कर जाइए। क्यों सर, फुटबॉल ग्राउंड के बीच में अगर मंदिर बनाएंगे तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे सर, बताइए सर। कोई भी खेल भगवान से बढ़कर होता है क्या? भगवान का खेल मुकुंद भैया बताएंगे, नाम सुना है ना उनका। अगर अभी ग्राउंड से बाहर नहीं निकले तो अभी मैं उनको बुलाकर लाता हूँ यहाँ पर। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं पर खेलो, हम किसी और जगह पर मंदिर शिफ्ट कर देंगे, तुम खुश हो ना। आज मैं ये उपवास तोड़ने वाला हूँ। परंतु क्यों? सब लोग खाने के बाद टॉयलेट जाते हैं, पर मैं खाना खाने के लिए टॉयलेट जाता हूँ। इतनी बदबूदार जगह है, खाना गले से उतरता ही नहीं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, महाराज कहीं जीवन भर उपवास ना करना पड़ जाए। सारा मैदान, पूरा पांडाल सूना पड़ा है, कौवे बोल रहे हैं यहाँ, बस टेंट वाला और माइक वाले यहाँ सो रहे हैं, पेमेंट का वेट कर रहे हैं शायद। ए हट स्वामी जी, एक बात ध्यान से सुनिए, मुकुंद नाम के इस तूफान को रोक लीजिए, वरना आपके आश्रम में भी कौवे बोलेंगे। इस देश के हर देवस्थल का गुरु मैं हूँ और कोई मुझे छू भी नहीं सकता। कोर्ट में सारे केसेस मंजूर हो चुके हैं, आज की सुनवाई में पता चलेगा कि मुकुंद के केस का क्या होता है। हाँ सिद्धेश्वर स्वामी जी, आपका जो मंदिर है वो कितने एकड़ का है? 32 एकड़ में, उसमें भगवानों के 300 छोटे बड़े मंदिर हैं। भगवान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शुरू कर दिया। साइलेंस। उसमें कुल मिलाकर 167 पुजारी हैं। अच्छा, आपके मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठते हैं आप जानते हैं उन्हें? क्या वहाँ कुल 332 मंदिर हैं और 167 पुजारी हैं, सबके पास जॉब है और वहाँ से रोज आपका गुजरना होता है, पर वहाँ बैठे भिखारियों पर आपकी नजर कभी नहीं गई। योर ऑनर, उस मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठते हैं, उसमें कमजोर बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहाँ चाहे तेज धूप हो या कड़ी बारिश हो, मंदिरों के अंदर उन भिखारियों को कभी प्रवेश नहीं मिलता। hey! रुके, आप नाराज मत होइए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपके मंदिर में रहने वाले पंडित भी यही कहते हैं। आपके पंडित ने एक और बात कही है, जानना चाहते हैं आप? योर ऑनर, मुकुंद ने केस किया है और वो ना जीते, इसलिए हर सोमवार को एक लोटा दूध लेकर मंदिर में आने के लिए लोगों से कहा है। मैं भी एक लोटा दूध लेकर वहाँ पहुँच गया, वहाँ बहुत बड़ी कतार थी, दरवाजे के बाहर सब लोटा लेकर खड़े थे, अंदर जा रहे थे बाहर आ रहे थे, और दूध खाली हो जाता था। ओहो, तब मैंने सोचा अंदर कोई बैठकर दूध पी रहा है। जब मैंने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी दूध नहीं पी रहा था, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर रखा था। क्या कहा? वो पत्थर नहीं है, उसे काल स्वरूप, रुद्र स्वरूप, शिवलिंग कहते हैं मूरख। माफ करना स्वामी जी, वो शिवलिंग है लेकिन है तो पत्थर ही। योर ऑनर, उस शिवलिंग पर सब दूध डाल रहे थे, वो दूध कहाँ जा रहा था? मुझे लगा कोई दूध पी रहा है, पर वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है, दूध वहाँ बह रहा था, और वहाँ एक बड़ा सा नाला था जिसमें वो सारा दूध बहकर जा रहा था। वॉट अ वेस्ट। और नजदीक में एक भिखारन थी अपनी बच्ची के साथ, वो बच्ची दूध के लिए रो रही थी, पर उसे वो नहीं मिल रहा था क्योंकि सारा दूध गड्ढे में बह रहा था। तब मेरे लोटे का दूध मैंने उस बच्ची को दे दिया, तब उसकी माँ ने मुझे क्या कहा आप जानते हैं योर ऑनर? उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सारे भक्त जो हैं बस पुण्य की लालच में अपने स्वार्थ के लिए एक पत्थर पर दूध डालते हैं, यही दूध किसी भूखे बच्चे को पिला दिया तो इस देश में कभी कोई बच्चा भूखा नहीं मरेगा। यार ऑनर, यही सच है। मौलवी साहब, दरगाह में जाकर चादर चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को चादर दोगे तो वो खुश होगा, उससे अल्लाह खुश होंगे। किसी भी चर्च में कैंडल जलाने से तो अच्छा होगा कि एक गरीब की झोपड़ी में रोशनी की जाए ताकि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हेलो, क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं? मैं तो खुद ही कृष्ण हूँ।
ऐसा क्या? मैं कौन हूँ जानते हो? मैं शैतान हूँ। मुकुंद, आरती, प्रार्थना, हार, चादर, मोमबत्ती, दूध, ये सब पूजा की रीतियां हैं, धर्म के स्वरूप हैं। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अधम और अधर्मी हो। ना इस जन्म में ना अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ओहो, आपको तो मुक्ति मिली है ना, आप तो सब जानते हैं। ये संप्रदाय लोगों को लूटते हैं, आप तो ये सब रोक सकते थे ना। हर शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाकर वेश करते हैं, ये आप रोक सकते हैं। मंदिर में जो चिल्लर डालते हैं उसे रोक लिया जाए तो देश की चिल्लर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुकुंद ने सटीक बात कही है, एक अच्छा विचार है। साईं बाबा ने ईश्वर के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, दीप जलाने के लिए गली गली घूमे, उसके बाद भी उन्हें एक बूंद तेल नहीं मिला तो उस महापुरुष ने पानी से दिए जलाए। ऐसे महान महापुरुष थे साईं बाबा, लेकिन सालों बाद करोड़ों रुपए खर्च करके उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया, लाखों रुपया खर्च करके मुकुट बनाया गया। क्या ये सब साईं बाबा की इच्छा से हुआ? इतने पैसों को अगर गरीबों में बांटा जाता तो वो खुश होते। स्वामी जी आप ही बताइए, सब लोग भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं तभी तो भगवान उन सब पर कृपा करते हैं ना। हाँ। तो आप ही बताइए, भगवान के दर्शन के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, उस भगदड़ में जब लोग मर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सभी भजन कीर्तन करते हुए बस में यात्रा पर निकलते हैं, बस गिरने से अगर वो सब मर गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सभी गाड़ी में भगवान की मूर्ति या तस्वीर होती है, फिर भी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर वो मरकर ऊपर चले जाए तो मोक्ष मिल गया ऐसा आप कहते हैं ना, लेकिन उनके हाथ पैर टूट जाए तो उसे बदनसीबी कहते हैं। इनके इस बात पर मुझे सख्त एतराज है माय लॉर्ड। मिस्टर मुकुंद पहले दिन से ही एक ही बात को रिसाइकल करके पेश कर रहे हैं। अच्छाई और बुराई पर बहस करने के लिए ये कोई टीवी चैनल नहीं है, ये कोर्ट है। यहाँ आपको प्रूफ चाहिए, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है तो अदालत को दिखाइए। इंश्योरेंस पेपर्स पर आपने ही सिग्नेचर किए हुए हैं और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, कल को कंपनी पेपर्स पर इसे एक्ट ऑफ जज लिख देते तो क्या भूकंप आ जाने के बाद जज साहब कोर्ट में आके आपको इंश्योरेंस के पैसे दे देते क्या? नहीं ना। वैसे ही अगर कंपनी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा है तो भगवान को भी यहाँ आकर पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलो मान लेते हैं कि भगवान की वजह से ये भूकंप आया, लेकिन ये बताइए कि कोई सबूत है आपके पास? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो ठीक है, पर आपने एक्ट ऑफ गॉड वाली बात पर खुद एग्री किया था। भगवान ने ये भूकंप करवाया, इसके लिए आपके पास कोई लिखित प्रमाण है क्या? कोर्ट को लिखित सबूत चाहिए माय लॉर्ड। मिस्टर मुकुंद, आपकी बातों से और आपकी दलीलों से लोगों को फायदा होगा, लेकिन कोर्ट में ये साबित करने के लिए कोई एविडेंस या सबूत है क्या? कोर्ट को सबूत की जरूरत है। ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है जज साहब। ऐसी स्थिति में ये न्यायालय आपको एक महीने की मोहलत देती है, इस दौरान आप सबूत नहीं ला पाए तो मुझे डर है कि आपका ये केस निरस्त हो जाएगा और बाकी केस भी। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर टुडे। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन कोर्ट के लिए सबूत चाहिए। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, ओके? सबूत देना पड़ेगा। भगवान ने मेरी दुकान का नुकसान किया तब रोड पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा से कैप्चर किया था क्या? कमाल है, भगवान खिलाड़ी है, इंसान जो कैमरा इस्तेमाल करता है उसमें वो नहीं दिखता। अगर दिखता तो कोर्ट में जरूर सबूत पेश करता। हाँ, किसी मंदिर या चर्च में जाकर भगवान के साथ एक सेल्फी निकाल कर दिखा दिया, ए भाई देखो सबूत दिखा दिया मैंने, तब मानेंगे ये लोग। बहुत लोग खाना पीना ना मिलने की वजह से ऊपर वाले का नाम लेकर आंसू बहाते हैं, लेकिन ऊपर वाला आकर आंसू पोंछता है क्या? अगर ऐसा करेगा तो भगवान मानेंगे। भूकंप, बाढ़ में लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, उन्हें जलाने से पहले उन्हें जज के सामने रखें, क्या तब वो मानेंगे कि भगवान है? क्या तब वो मानेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है? ये कैसा कानून है? अरे भाई, कहाँ से सबूत लाओगे कि भगवान है? कहाँ से लाओगे?
वो सिद्धेश्वर स्वामी जैसा कोई झूठा मिले तो उसे रिश्वत देकर उससे ही बुलवा लेंगे कोर्ट में कि हाँ भगवान है, लेकिन अगर वो कहे कि भगवान है तो क्या लोग मानेंगे? हाँ, फिर उनसे सबूत तो नहीं मांगेंगे ना। रिश्वत देने से सारे काम होते हैं इस देश में। रिश्वत दी तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा। आ जाओ ऊपर वाले, आ जाओ। भगवान जी, क्या बात है, आप तो मंदिर से डायरेक्ट ही यहाँ पर आ गए। भगवान हो ना आप, भगवान हो। हाँ सुनो, मेरी एक प्रॉब्लम है। कोर्ट में सब कुछ लिख कर मांगते हैं ना, तो सबूत देना पड़ेगा कि भगवान है। तुम कोर्ट में चलकर बता दो ना तुम भगवान हो और तुमने मेरी दुकान तोड़ी है, शायद तुम्हारी बात मान जाएं। डायरेक्ट जाने से मान लेंगे? तुम्हारे पास भी आया था, तुमने कहा माना, तो कोर्ट कैसे मानेगी? सही कहा। क्यों सही है ना? मुकुंद ने भरोसा नहीं किया तो कौन करेगा? भरोसा ही जीवन आधार है। भरोसा, होप। होप, भरोसा। मैंने ही भरोसा नहीं किया तो वो कैसे करेंगे? सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ नहीं हो सकता। सही पथ पर चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। सत्य और अच्छे कर्म हर अवरोध को स्वतः ही हटा देते हैं। दरअसल लोग तुम्हें एक लीडर समझने लगे हैं मुकुंद। लीडर? एक लीडर कमजोर नहीं पड़ सकता। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण होता है वो, समझ गए? अब उनकी एक बात मानेगा, जो मैं कहूं वो कर। इसे पढ़, दिल लगा के पढ़ना। तेरे बीवी बच्चे तुझे छोड़कर चले गए, परिवार से दूर है तू, एकदम अकेला है, ये सब बातें भूल कर इसे समझ ले, इसे एक तपस्या समझ ले। सुन, अगर पढ़ने में मन न लगे तो उपन्यास या कहानी समझ के पढ़ लेना, हम कुछ लेकर नहीं आए और हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तुझे इस किताब में मिलेगा, हर संदेह का समाधान मिलेगा, इतनी गहराई तक जहां तक तू कभी नहीं गया। ಈ ಬಸವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ನೀನ್ ದುಡಿದು ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಕೋದ್ ಬಿಟ್ಟು
ಅದ್ರ ಕೈಲಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲ್ಲಯ್ಯ, ಇನ್ಮೇಲಾರ ದುಡಿದು ಬದುಕು. ಬಡವನೆದೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರು ನಡುವೆ ನೀನು ಬಿಡು ಮತಗಳ ಜಗಳ, ಇದೇ ಕೆಲಸವು ಬಸವಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. Your Honor, Mr. Mukund, रेडियो जॉकी या टीवी एंकर बने तो बहुत दिलचस्प एंटरटेन करेंगे, लेकिन यहाँ खड़े होकर हर एक धर्म की कमियां गिनाकर सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया किया है. शायद ये अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, जहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है. क्यों मिस्टर मुकुंद, आज फिर से नया आरोप लगाएंगे या इस बार कोई ठोस एविडेंस प्रस्तुत करेंगे? Your Honor, अब मेरे सवालों का जवाब बस एक ज्ञानी आदमी ही दे सकता है. आप में से जो ज्ञानी हो कठघरे में आ जाए. मैं महाज्ञानी की बात कर रहा था. स्वामी जयशंकर जी, वेद वाक्य तंत्र मंत्र शास्त्र पुराण कथा सुभाषित, मैंने सुना है आपको इन सभी बातों का पूरा ज्ञान है. जी हाँ, एकदम सत्य है. तो इसका गवाह कौन है? भगवत गीता. भगवत गीता को मानते हो ना? अदनश्या सदधानश्या शवशयात्मा विनाशते न्याया लोकोत्सेन परमा सुसुमसे आत्मागम. इसका अर्थ बता सकते हैं? वो प्राणी जो शास्त्रों पर संदेह रखता है उसका विनाश निश्चित है. उसे ना मृत्यु लोक पर ना यम लोक पर शांति नहीं मिलेगी. ओ, अब बता मूर्ख, समझ में आ गया ना? Your Honor, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. इनकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरों को पूछते रहते हैं कि समझ में आया या नहीं. स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना खेल कूद में, बस लाइन में खड़े रहकर तोते की तरह रटते रहते हैं. वैसे ही ये भी नकली साधु हैं. चुप हो जा मुकुंद, अज्ञानी अविवेकी मुझ जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान करता है, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी. ओहो, तो आपने नर्क का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया? नर्क में आपका साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया? क्या बात है. साइलेंस. दुष्ट अहंकारी, तू मेरा अपमान करता है. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. कोई हक नहीं. दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विघतस्प्रदः भीतराग भयक्रोधः स्थिति धीर मनुष्यते. द्वितीय अध्याय श्लोक 56. अर्थात मनुष्य को सुख दुख दोनों में बराबर सोचना चाहिए. डर और क्रोध का त्याग करके वो मुक्त हो जाना चाहिए. जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही सिद्ध पुरुष कहलाता है. सिर्फ दो बातें सुनकर मुझ पर क्रोधित हो गए, मारने को तैयार हो गए, ये सिद्ध पुरुष हैं. ये कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, ये है इनकी सिद्धि. माय लॉर्ड, कुछ कहना चाहूंगा. मिस्टर मुकुंद, सिद्धेश्वर जी सिद्ध पुरुष हैं, स्वामी हैं या पाखंडी हैं, ये सिद्ध करने के लिए आप कोर्ट में नहीं आए.
कोर्ट को यह सबूत चाहिए कि दुकान को नुकसान किसने पहुंचाया। मैं शुरू से यही तो कह रहा हूं, उसी भगवान की वजह से नुकसान उसका हुआ। सबूत कहाँ है? शांत हो जाइए, वही देने तो मैं आया हूं। हाँ तो स्वामी जयशंकर जी, भगवद गीता भगवान ने ही लिखी है ना? यानी उसमें लिखा सब सच है, हर वाक्य हर एक शब्द सत्य है और सिर्फ सत्य। इस बात को नोट किया जाए जज साहब। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये आपने सुना होगा। ये शास्त्र धर्म और भगवान की बातें हैं प्राणी। एक परम योगी से इसकी परीक्षा लोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। तो फिर आप इसका मतलब कोर्ट को बता सकते हैं? पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए, सृष्टि का आरंभ और अंत मैं ही हूँ। आप हो? नहीं, भगवान है। भगवान है, पॉइंट नोट किया जाए। भगवत गीता में ये कहा गया है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये श्लोक भी भगवत गीता से ही सुना रहा हूँ। इस सृष्टि की गति आधार स्थान सब कुछ मैं ही हूँ, कर्ता मैं हूँ और हर्ता भी मैं ही हूँ। भगवान ने ये अच्छी तरह बताया है माय लॉर्ड। आपको चाहिए वो सारे सबूत इस भगवत गीता में अच्छी तरह मौजूद है माय लॉर्ड। योर ऑनर, इस बात पर मुझे आपत्ति है। गीता में लिखा भी है तो ये सबूत कैसे हुआ? इसमें क्या श्री कृष्ण के सिग्नेचर हैं? कोर्ट में मैं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये प्रतिज्ञा हम भगवत गीता पर हाथ रखकर ही खाते हैं ना। अगर इसे मानते नहीं तो इसकी कसम क्यों खिलवाते हैं लोगों से? हाँ, ऑब्जेक्शन, माय ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अब आप बैठ जाइए प्लीज। यही बात मैंने कुरान में भी पढ़ी है जज साहब। अल्लाह ही कायनात चलाता है और एक दिन जलजला भी वही लाएगा। बिजली धरती पर कड़केगी और वो खत्म हो जाएगी और फिर सारे प्राणी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमसे बहुत नाराज हो गया है। इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए ऊपर वाले को ही इस धरती का विनाश करके उसे पाक करना होगा। तौहीद अर रबूबिया, बिना अल्लाह की रजामंदी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यही लिखा है। मैंने सही कहा ना मौलाना साहब? 100% ये हकीकत है। इस कायनात में जो भी होगा वो सिर्फ अल्लाह की वजह से होगा। हाँ माय लॉर्ड, यही बात बाइबल में भी लिखी है। चैप्टर 54 वर्स 16, आई हु क्रिएटेड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड द रीजन टू डिस्ट्रॉय। इन तीनों ग्रंथों की बातों का एक ही मतलब निकलता है, वो ये कि भगवान है, उसने मेरी दुकान को बर्बाद किया है, यही है एक्ट ऑफ गॉड। इस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से यहाँ मौजूद लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसका भुगतान ऊपर वाले को करना पड़ेगा। आप ही बताइए भगवान है ये हम कैसे जाने? भगवान के नाम पर फ्रेंचाइजी खोल कर बैठे इन ब्रोकर्स, दलाल, एजेंटों को इसीलिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। हे, ऑब्जेक्शन की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन मत कीजिए ना। अगर भगवान नहीं है, इसने ये बात प्रूफ कर दी, तो हम इंश्योरेंस वालों को पैसा देना पड़ जाएगा। He's right, sir. भगवान है। थोड़ी देर चुप बैठोगे? मुझे काम करने दो। बैठो। Please sit down. भगवान कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सर्व स्वरूपिणी अधर्म बढ़ गया है। भगवान शीघ्र आ जाओ। भगवान मुझे शक्ति दो। स्वामी जी, मैं इस दुष्ट पापी को दंड देना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, मैं इसके प्राण ले लूंगा, इसकी जान ले लूंगा मैं। ये जीवित रहने योग्य नहीं है। मैं इसे अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। अरे मैं तो बस आप लोगों के लिए लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था। जाने दीजिए मुझे। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वो मेरे पति है, जाने दीजिए प्लीज। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। बैठिए यहीं पर। प्लीज प्लीज आप वहाँ बैठ जाइए। रोइए मत, प्लीज बैठ जाइए आप। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं मेरे पति? उनकी हालत काफी नाजुक है, अभी कोमा स्टेज में। इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं। सॉरी। పోరాట
ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಮಾಡದಂತ ಮೂರ್ಖತನದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಈತನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಕುಂದ ದೇವದೂತ, ಹೀಸ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಮುಕುಂದ ಬಾಬಾ ಕ್ಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ ಗೈ. ये इंसान की ईश्वर से लड़ाई नहीं थी, बल्कि अंधविश्वास के विरुद्ध एक युद्ध था. लोग उसे भगवान मान के उसके पैर छुएंगे. पर वो मानेगा कैसे स्वामी? जीवित रहेगा तो मना करेगा ना. उसे स्वर्गलोक ही भेज देंगे तो उसे भगवान बनाना हमारे हाथ में होगा. ईश्वर हूँ मैं, अहम ब्रह्मास्मि. डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? अभी तक वेंटिलेटर पर ही है. हाँ। सब कुछ भगवान के हाथ में ही. मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इधर कैसे पहुंचा, ये मुझसे मत पूछना. तुम आईसीयू में हो, पत्नी और बच्चे बाहर बैठे हैं, अंदर आने का परमिशन नहीं है. तो तुम अंदर कैसे आए? अब उनको कौन रोकेगा? भगवान हूँ, सारी सृष्टि मेरी है. अब उनको बहुत खरी खोटी सुनाई, इस वास्ते इधर पहुंच गया. ईश्वर को मानने वाले किसी आश्रम में मिलेंगे और बाकी लोग उनके पास मैं मिलूंगा. चलो आज तुम्हारा इलाज मैं ही कर देता हूं. तुम क्या डॉक्टर हो? एक्चुअली मैं ऑल इन वन हूं. अभी भी मन में संदेह है. चलो आज मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखा देता हूं. उस दिन बाइक चलाकर दिखाया था वैसा चमत्कार? ये उससे भी बढ़कर है. सुनो मुकुंद, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे. Yeah.
तुम्हारी जगह पैरों में नहीं। अगर भक्त ईश्वर को मन से चाहते हैं तो भगवान भी अपने भक्त को हृदय से प्रेम करते हैं, यही सच है। प्रभु, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बात ऐसी है कि मुकुंद, तुम्हारे मन में सच्चाई है, इसीलिए तुम मुझे देख पाए। दिल में खोट होती तो नहीं देख पाते। भगवान है, सब भगवान को पिता के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन मुझे वो नजर आए दोस्त के स्वरूप में। हर मनुष्य मुझे अलग रूप में देख पाता है। अर्जुन का सारथी, राधा का कन्हैया, यशोदा का पुत्र, कंस के लिए शत्रु, सुदामा का मित्र, पंछी, वायु, ये प्रकृति जिसकी जैसी भावना होती है, मैं उसे बिल्कुल उसी रूप में दिखाई देता हूँ। ये तो उन पर है कि वो मुझे किस रूप में देखते हैं। मन एक दर्पण के सिवा कुछ नहीं, और मैं एक छवि हूँ, कोई कैंडल, कोई चादर चढ़ाता है। लेकिन मैंने उनसे कभी ये करने को नहीं कहा, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैंने भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। भक्ति नहीं की, जो भूखा सोया था उसे भोजन दिया। किसी को हज के लिए पैसे दिए, जो चल नहीं पाया उसे गोद में उठाया। वो मेरे ही रूप थे। तुम हर बात पे मेरा स्मरण करते रहे। तुमने मनुष्यों की सहायता की, मैंने भी बस वही किया। पर मैं तो नास्तिक हूं, मैंने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। बैठो। तुम नास्तिक थे, पर उससे मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता मुकुंद। भक्ति कई तरह से होती है। लोग मेरे पास कई तरह के एक्सचेंज ऑफर्स लेकर आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मेरे एग्जाम्स हैं, अच्छे नंबर से पास करा दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। और भी डिमांड्स हैं, लॉटरी खुलवा दो। कुछ ऐसे भी हैं कि अगर जोसेफ की छोटी वाली बेटी से मेरी शादी हो जाए तो मैं चर्च में 10 कैंडल्स जला दूंगा। जॉब में प्रमोशन के लिए दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं। वो सब तो छोड़ो, अगर मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए तो मैं दूध का अभिषेक कराऊंगा। एक ने तो कहा कि आने वाले बच्चे का नाम गणेश रख दूंगा। मैंने भी ऐसी कई बातें सुनी हैं। और अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसका दोष मेरे मत्थे ही चढ़ा देते हैं। हमने इतनी सारी चीजें ऑफर की पर भगवान ने घास ही नहीं डाली। ये बताओ, क्या मैंने उस स्टूडेंट से कहा था कि बिना पढ़ाई के एग्जाम दो? बस यही भक्ति का सारा खेल है। हर जगह जाता हूँ। आप हर जगह विराजमान है ये जानते हुए भी लोग मंदिर में आपको ढूंढते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है। मंदिर बनाने का उद्देश्य है ईश्वर का स्वरूप स्थापित करना। जैसे कि चर्च, मंदिर, दरगाह और भी प्रतीक है जिससे मनुष्य को एक उम्मीद मिलती है। पर लोगों से धर्म के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं, ये गलत है। मुकुंद, धर्म ईश्वर की देन होती है, पर उसे अधर्म मनुष्य ने बनाया। तुम्हें उन्हें दुरुस्त करना है। आस्था के नाम पर दुनिया में लोग शोषण करते, ये मैं जानता हूं। हो सकता है वो तुम्हें भगवान बना दे, क्या पता। जाने दो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ पता भी है कि इस आईसीयू में आए कितने दिन हो गए तुम्हें? नहीं पता ना? 1 महीना। 1 महीना? और इतने दिनों में बाहर क्या हुआ ये जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी। देखना चाहते हो? हाँ। मुकुंद, भगवान ने कल रात सपने में मुझे दर्शन दिया। शंख गदा चक्रधारी दशम अवतार में, इस युग में विष्णु के अवतार हैं, स्वयं उन्होंने मुझे बताया। वो 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट मेरे सामने बड़े होते गए मुकुंद बाबा, वो साक्षात भगवान हैं। क्यों तबला, मुकुंद आश्रम में घर खाली है, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बुक कर दूं क्या? मुकुंद बाबा कुछ दिन बाद ही अपने प्राण त्याग देंगे। जहां उनकी दुकान थी हम वहां उनका मंदिर बनाएंगे। धर्म गुरु ने कहा मुकुंद देव भगवान है। एक्ट ऑफ गॉड केस के जो 500 करोड़ है, अब वो आश्रम देने वाला है। हम देने वाले कौन होते हैं, उनका आदेश है इसलिए दे रहे हैं। मुकुंद बाबा की बोलो जय 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 जय।
हॉस्पिटल में मुकुंद मौत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग उन्हें भगवान और देवदूत कहने लगे हैं। दो दिन में मुकुंद का वेंटिलेटर बंद करके उसका दाइंड कर देंगे, केस क्लोज। इस मंदिर में करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस क्लेम के 500 करोड़ दिए, पब्लिसिटी के साथ साथ आश्रम के लिए भी लाखों दिए हैं। इसका रिटर्न आना कब शुरू होगा स्वामी जी? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक साल में प्रॉफिट्स आने लगेंगे। मार्केट में नए भगवान को लॉन्च किए कई साल हो गए हैं। यहाँ मुकुंद देव की समाधि बनेगी, एक तीर्थ स्थल बनेगा यहाँ। आज उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज सुबह से ही उनके श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ मैं हूँ रीटा। प्रभु ये सब अधर्म हो रहा है। अधर्म को समाप्त करने के लिए ही अर्जुन कुरुक्षेत्र में उतरा है। आज फिर एक महाभारत होगा जिसके अर्जुन तुम होगे। बोलो मुकुंद देव की, मुकुंद भगवान की, मुकुंद बाबा की। भगवान कभी मरते नहीं। हेलो, मुकुंद अपने बेड पर नहीं है, पूरा हॉस्पिटल छान मारा, शायद यहाँ से निकल गया है वो। मुकुंद भगवान की। क्या कहा? चला गया है? बोलो। वो चला गया, पर कहाँ गया कोई नहीं जानता। बोलो मुकुंद देव की। स्वामी जी क्या है? वो भाग चुका है, पूरे हॉस्पिटल के परिसर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे आदमी उसे ऊपर डिलीवर कर चुके होंगे। अरे बोलो मुकुंद बाबा की। बोलो मुकुंद भगवान की। बोलो मुकुंद। ये बात की गंभीरता तो समझ नहीं रहे। इन लोगों की भक्ति देख के लगता है मेरे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। इतनी कमाई तो मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं कर पाता। वो मुकुंद अभी भी जिंदा है। जानता हूँ स्वामी की वो जिंदा है, इन लोगों के दिल में जिंदा है। अपने अकाउंट का पासवर्ड उसी के नाम से रखेंगे। माता जी, कोई भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रहा, सब अपनी राह गलापने में लगे हैं। ये पॉलिटिशियन भी मेरी बात नहीं सुन रहा। बोलो मुकुंद बाबा की। बोलो मुकुंद भगवान की। बोलो मुकुंद देव की। बोलो मुकुंद बाबा की। बोलो मुकुंद भगवान की। बोलो मुकुंद बाबा की। ये क्या स्वामी जी, ये तो अभी तक जिंदा है। अभी तक क्या बक रहा था, पर तुम अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे। उधर वो बाबा बाबा कर रहे हैं और इधर ये जय जयकार। अब सबकी जय जयकार ऊपर होगी। बोलो, रुक क्यों गए? बोलो, मुकुंद बाबा की जय, बेवकूफ लोगों की जय, स्वामी जी की जय, गुरु जी की जय। बोलो, रुक क्यों गए? कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। 100 बार समझाने के बावजूद वही गलतियां बार बार दोहराते हो। मैं इनसे लड़ता रहा और तुमने मुझे ही भगवान बना दिया। मेरी मूर्ति बनाकर मुझे भगवान बना दिया। तुम्हें बस अपने दुख दूर करने हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे गुरु जी चाहिए। धर्म को कलंकित क्यों करते हो? अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते? जिंदगी से लड़ने की शक्ति नहीं तुम में? अरे बेवकूफों, भगवान इस तरह चीखने चिल्लाने से कभी नहीं आएंगे। कैंडल जलाने से, आरती करने से या मंत्र पढ़ने से भी नहीं आएंगे। भगवान तो एक सुंदर सा सपना है। किसी की भूख मिटाओगे तो भक्ति होगी, किसी के लिए मकान बनाओगे तो साधना होगी, किसी के घर दिया जलाया तो तपस्या होगी। सारे धर्म हमारा धर्म ग्रेट है ये कहकर आपस में लड़ते रहते हैं और सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। हम सबके बीच इस मूर्ति की जरूरत है। भक्ति के नाम से धंधा करने वाली ये दान पेटी नहीं चाहिए। बंद करो ये तमाशा, बस अब बहुत हुआ। ये सब, ये हवा, पानी, धरती, खाना पीना, चंदा, सूरज, तारे, भूख, गुस्सा, नींद, प्रेम, ममता, ये सबके लिए एक है। यही स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, और कहीं नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को भगवान को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यही एक बात सच है, भगवान को भगवान ही रहने दो और मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो।
हमारे सुंदर जीवन को और सुंदर कैसे बनाते हैं जानते हो? प्रेम से। इस अद्भुत प्रेम को पाने की और महसूस करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य को मिलती है। हम कितने नसीब वाले हैं कि मनुष्य जन्म मिला। हमें प्रेम को नफरत से बांटना नहीं चाहिए। ढोंग करने से अच्छा है दिल से दया करो। मंत्रों का गान करने से अच्छा है चार शब्द ऐसे बोलिए जिससे किसी का दुख दूर हो। आज से नहीं कई सालों से सिद्ध पुरुष, साधु, पादरी, मौलवी सब यही कहते आए हैं, लव इज गॉड, गॉड इज ग्रेट। ये बाबा पाखंडी है, ये सब धोखेबाज है, मारो इन्हें, छोड़ना मत इन्हें, कोई बस जाने ना पाए। रुको रुको, किस किस को मारोगे तुम? क्या इन्हें मारने से ये पाखंड खत्म हो जाएगा? जाओ पीछे हटो, पीछे हटो, कहा ना पीछे हटो, चलो जाओ नीचे। चलिए आप सब भी नीचे उतरिए। मुकुंद, भक्ति एक नशे की तरह होती है। भगवान की भक्ति अफीम से बढ़कर है। एक बार नशा लग गया तो उसे छुड़ाना असंभव है। इसे भगवान भी खत्म नहीं कर सकते। मुकुंद, जिन लोगों को इतना लेक्चर दिया तुमने, ये भगवान से प्यार नहीं करते, ये भगवान से डरते हैं। जब जब जिसको भी कष्ट होगा, अनहोनी से जब जब डर लगेगा, फिर से मेरे आश्रम में ही आएंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है, इंसान में भगवान को देखो। तब से मैं सब में भगवान को देखता हूं। तुम भी सच्चे मन से कोशिश करके देखो, सब में मुझे देख पाओगे तुम, देख लो। अब तो सच्चाई को समझो और छोड़ दो ये ढोंग। ए, तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल घर चल। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। भी आया। मुकुंद, इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है जो तुम्हें देके जा रहा हूं। मैं तो स्वयं ही तुम में हूं।